इधर अपना इतना हुआ बात तो अच्छी है बहुत कुछ है मैं आपको ये अच्छा देख लूँगा ये तो करवाया तो है इधर आपने किया जब ऐसा ही नहीं फोर नहीं ये नहीं कर फोर से नहीं हुआ फोर और मैं करवा दूँ करवा दे करवा अलजबरा में जैसे कल आप लोगों को मैंने बताया था ना कि मोस्टली ज्यादातर अलजबरा अपना ही करने वाला है ठीक है उसमें ज्यादातर इक्वेशन है तो फिर इसको भी हम लोग स्टार्ट लेते हैं इसके अंदर जो जो मुश्किल चीजें आती है उसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं जो जो आसान है ना इक्वेशन वो आप लोगों के लिए मैं छोड़ता जा रहा हूँ यानी कि आप खुद भी आप सॉल्व कर सकते मतलब मैं आप लोगों के साथ बैठ के सॉल्व करवा भी लेता हूँ मतलब आप लोग अलजबरा में देखे सब अच्छा एक तो रात मैंने एक वीडियो शेयर की थी शायद आपने कितने देखे वो क्या है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट आप लोगों के काफी ज्यादा ना इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें भी एक दो क्वेश्चन इस तरह है कि मैं एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ उससे आपको आइडिया हो जाएगा यूट्यूब में था ग्रुप में नहीं ग्रुप में मैंने वो मेरे अपने वीडियो पे चैनल है और वीडियो का एक लिंक है अच्छा देखो फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर ठीक है फॉर एग्जाम्पल 1050 1020 1024 और 1090 या 1290 या 1250 कोई भी एक वैल्यू दे देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर अब इनमें से परफेक्ट स्क्वायर वैसे तो हो सकता है आप लोगों को याद हो कौन सा है 1024 वैसे याद है फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिनका आपको नहीं पता ठीक है तो वहां पे आप लोगों को फिर वो उसका परफेक्ट स्क्वायर उसका अंडर रूट निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं जिसका कंप्लीट कंप्लीट जिसका स्क्वायर बन जाए ठीक है जो कंप्लीट कंप्लीट जो स्क्वायर होता है वो एक परफेक्ट जैसे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है 40 एक परफेक्ट है 64 परफेक्ट स्क्वायर है 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर है अब 120 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं ठीक है 150 परफेक्ट स्क्वायर तो हमें भी चेक वो जो वीडियो में आपको शेयर की वो मैं कहा आपका टाइम जरा बच जाएगा आप उसको जान सकते हो आपका टाइम आपको काफी अच्छा बच जाएगा ठीक है अच्छा अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन देखें पेज नंबर 28 का आएगा इसको सॉल्व करें अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन पेज नंबर 28 इसको सॉल्व करें मैं जस्ट वीडियो को आवाज चेक कर लूं जी जी आप लोग खुद सॉल्व करें इसको हाँ ठीक है गुड अच्छा क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करें ये कैटेगरी बी में आया हुआ गैट के कैटेगरी बी आर्ट्स एंड अमेरिकी सोशल साइंसेस के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर टू नंबर टू में कहता है अगर 2x प्लस 4 हो b के इक्वल तो फिर बताओ 6x प्लस 12 की वैल्यू क्या होगी 3b सर अब इसमें ना सबसे पहले जब आप लोगों ने क्वेश्चन को देखना है उसमें अगर वो कहता है ना कि ये इक्वेशन एक बना रहा है फिर आगे कॉमा और आगे वो अगर देन की अगर वो बात करता है
इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन की हेल्प से वो ये इक्वेशन बना रहा है, ठीक है। यानी कि पहले उसने ये इक्वेशन दिया, फिर वो चाहता है कि ये इक्वेशन वो बना के दे। अगर तो इक्वेशन आसान सी हो तो फिर तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कभी कभार आसान को इक्वेशन वो दे भी देते। मतलब देखो 2x को उसने क्या बनाया, 6x, कैसे बन गया 2 3 6, ठीक है। 4 को क्या बनाया 12, कैसे आया 4 3 12। बी को भी 3 से काट दे 3b। एक तो ये इसका एक आसान ठीक है, अगर इक्वेशन आसान आ जाए तो, ठीक है। अब इन सबको उसने 3 3 से रख दिया, 2x को 3 से रख दिया 6x हो गया, 4 को 3 से रख दिया 12 हो गया, बी को 3 से रख दिया 3b हो गया। ये एक एक्सेप्शनल केस है अगर इक्वेशन आसान आ जाए, नहीं तो इसका तरीका क्या है, यहां से x निकाल के x वहां पे पुट कर दो। यहां से x निकाले क्या आएगा, 2x plus 4 is equal to b है, तो यहां से 2x is equal to 4 उधर जाके माइनस कर दें और x is equal to b minus 4 over 2, तो उधर जाके डिवाइड हो गए, ठीक है। अब ये x की वैल्यू अब यहां पे आप पुट कर दें, 6 into x की जगह क्या आएगा b minus 4 over 2 और प्लस का 12। ये 2 3 इधर जी को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3b minus 12 plus 12 कैंसिल, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3b आपका राइट आंसर। सर ये 4/2 है, b minus 4/2 डायरेक्टली से हम यहाँ काट नहीं सकते हैं। सॉरी ये x की वैल्यू जो b minus 4/2 आया है ना सर, 2 को डिवाइड कर नहीं कर सकते हम 4 से। नहीं नहीं ऊपर 2 तो मैं सर आप ये कह रहे हो, आप ऐसा कह रहे हो जी सर, नहीं नॉट पॉसिबल। वो कटिंग तब होती है जब हमारे पास एक वैल्यू, जैसे अगर ये 4 भी होता फिर मैं इसको काट सकता हूँ। ऊपर 2 वैल्यूज अलग अलग है, वो क्या आ रही है, वो ये आ रहा है b/2 minus 4/2 ये बन रहा है, इसके एलसीएम लो वही चीज बनेगी, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद सॉल्व करना है, वहां पर सिर्फ आपने सी की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने खुद सॉल्व करना है, 5 भी देख लो एक दफा हो जाएगा ना, देख लिया एक दफा। क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट कर लिया एक दफा, 3 तो बहुत आसान है, 3 तो ना बिल्कुल सी की वैल्यू पुट करनी है। 4 5 करो, ओके मैं चेक करवाता हूँ, मैं जो जो आपको छुड़ा रहा हूँ आपको साथ समय बताऊंगा। मैंने आपको 3 भी छुड़ा दिया, 4 भी छुड़ा दिया, 4 आप 5 आपको मैं करवाने लगा, 5 करवाने। अरे नहीं नहीं मिल के नोट कर शायद जल्दी। सेवन डिवाइड बाई 9 यार इसका आंसर ए ऑप्शन है, 0.5 का ए ओवर ए इधर आ जाएगा 7 और 9 पे 7 आना चाहिए, 9 7, हां क्योंकि ये इधर आके इसके के नीचे डिवाइड होगा, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9 के, 7 और 9 नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 में कहता है 9/8 इज इक्वल टू 7/a² ये कह रहा है 7/a² कह रहा है 7/9 सर, हां नहीं फिर आप ठीक कह रहे हो जी, ओके राइट। अच्छा आप ये देखें इसके अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या a स्क्वायर को इधर ले आओ 9 तो ये 7 5 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
एक होता ले जो बात एक ही है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 9a² = 7a, ठीक है। अब क्या करें, आप a वाली वैल्यू इकट्ठी कर लें और बाकी इकट्ठी कर लें। a वाली की वैल्यू इकट्ठी करने मतलब a को उधर डिवाइड कर दें, a² / a, ये जो 9 है इसको उधर ले जाएं, ये हो जाएगा 7/9, यानी a वो इधर डिवाइड हो गया, ये उधर डिवाइड हो गया। इसको, हाँ, इसको कहते हैं वेरिएबल इकट्ठे कर लेना, इंटीजर इकट्ठे कर लेना, इनको वेरिएबल कहते हैं, इनको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर, डिजिट, अदद से घबराने, सारी एक चीज होती है। अब ये एक 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 ऐसे कैंसिल हो गया, a = 7/9, मुझे भी आप ठीक कर लो, 7/9।
ए स्क्वायर ओवर ए, ये ए आ जाएगा, ए इक्वल टू 7 ओवर 9। क्वेश्चन नंबर 6 समझाने वाले, ये जरा देखते हैं 6 में क्या करना है। ओके, नोट कर लिए? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अगर y इज इक्वल टू 3x हो और दैट इज इक्वल टू 2y हो, तो फिर बताएं x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ x। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ y का मतलब क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ z का मतलब क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ, असल में ये कुछ मतलब वर्ड के होते हैं जिनको समझने की जरूरत है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका होता है। इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब है कि हमारा जो एक्स आना चाहिए सारे का सारा एक्स के फॉर्म में आना चाहिए, उसमें वाई या जेड नहीं आना चाहिए। अगर वो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई तो हमारे आंसर में सिर्फ वाई की वैल्यू आनी चाहिए, अगर वो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ जेड तो आंसर में सिर्फ जेड की वैल्यू आनी चाहिए। अब उसने कहा है कि मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर निकाल के दो, इसका मतलब मुझे वाई और जेड मुझे खत्म करना पड़ेगा। अब ये देखो x तो ऑलरेडी आ रहा है, इसको मैं x लिखूंगा, y की जगह क्या आ जाएगा 3x, ये भी x की फॉर्म है ना, तो हमें x की फॉर्म में आंसर चाहिए, 3x ये आ गया। z की जगह क्या आएगा 2y। अब यहाँ पे देखो 2y है, मुझे y तो नहीं चाहिए, मुझे तो सारा आंसर x की फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे हम लोग दोबारा y की वैल्यू पुट करते हैं, y कितना आ रहा है 3x, यहाँ पे हम दोबारा y की वैल्यू पुट करो, सारा आंसर x में आ जाएगा, क्योंकि हमें सारे के सारा आंसर हमें x में चाहिए। x प्लस 3x प्लस 2 इंटू वाई की जगह 3x। अब सारे का सारा आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ x आ गया, 10x। यानी उसने ये कहा है कि मुझे आंसर x की फॉर्म में दो, इन टर्म्स ऑफ x मतलब x की हालत में आंसर होना चाहिए, x की फॉर्म में। उसने कहा है कि अगर y 3x हो z 2y तो मुझे बताओ x y और z को मैं सम करूं तो x की फॉर्म में क्या आंसर आता है, इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में। मैंने देखा x तो ऑलरेडी मौजूद है, मैंने देखा y की वैल्यू भी x की फॉर्म में आ रही है, सही है सर, लेकिन z की वैल्यू x के फॉर्म में नहीं है। z की वैल्यू पहले मैंने y में पुट करके अगेन मैंने फिर y में मैंने वैल्यू ये पुट कर दी, और सारे का सारा आंसर मेरा x के फॉर्म में बन गया। यानी कि उसने कहा यह है कि भाई मुझे आंसर आपने x के फॉर्म में आ रही है, ठीक है, तो ये आपका x के फॉर्म में आता है। इस तरह y के फॉर्म में आंसर निकाल सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ y। इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकलेगा, देखो y तो ऑलरेडी मौजूद है, ये देखें ये y आ गया, z की जगह आपको पता है z की जगह क्या आ जाएगा, ये भी y की जगह y आ गया। अब मेरे पास x है, x की जगह में y की फॉर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3x, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी y ओवर 3, इसका मतलब ये मेरा y की फॉर्म में मेरा यहाँ से सारा आंसर बन जाएगा। x की जगह क्या आ गया y ओवर 3 प्लस y की जगह ऑलरेडी y और z की जगह क्या आ गया 2y। इसको सॉल्व करेंगे ये सारा आपका इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा, ठीक है। तो वो अगर ये कह दे कि भाई मुझे इन टर्म्स ऑफ y बताओ तो इन टर्म्स ऑफ y भी आप निकाल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ z भी आप इसको निकाल सकते हो, z की वैल्यू आपको उसी तरह इन मीनिंग में आपने वैल्यू आपने निकाल के आपने वो टॉपिक कर दिया, ठीक है, इसको नोट कर। अगर नहीं तो फिर आंसर आपका गलत है। ये आगे आगे करते हैं, सातवां आसान है आपको उत्तर, आठवां एकदम सर आप पढ़ लिया। आठवीं में कहता है n प्लस 3 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड थ्री है, ये n x 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को एक दफा पढ़ लेते हैं, एन प्लस एन मल्टीप्लाइड चाहिए। अच्छा मैं अब आप लोगों के एक और क्वेश्चन, इसके रेलेवेंट एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन करो सर, एक बार
एट वाला अच्छा एक मिनट डिपार्टमेंट के मुताबिक आपको मैं एक और क्वेश्चन मैं बता देना मैं आपको पहले क्वेश्चन एक बता दूँ हाँ जी आप जरा पेज नंबर 56 का ये करो पेज नंबर 56 पे है पढ़े क्या ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी मैंने आपको अलजेब्रा मैंने बताया लेकिन अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होगा क्वेश्चन नंबर 29 वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि स्टेटमेंट को पहले हम लोगों ने इक्वेशन बनाना है इक्वेशन बनाने के बाद हमें फिर सॉल्व करना है 29 नंबर ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम वही कहता है कि टीचर ने एक नंबर लिखा उस नंबर में अगर वो 3 जमा करे या उस नंबर को 3 से रब करे दोनों आंसर सेम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 भी अलजेब्रा में यही कह रहा है एन प्लस 3 इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय 3 तो बात करने का वक्त ये कि जब वो स्टेटमेंट में दे देंगे क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमने उसको इक्वेशन खुद बनाना है ऑलरेडी इसने क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन दे दिया ये हमारे लिए सॉल्व करना आसान है ठीक है लेकिन क्वेश्चन सेम है वो 29 और ये 8 से दोबारा पेज नंबर 28 पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अब आपको इक्वेशन में थोड़ा आपको आगे बना देते हो फिर खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा देखें कहता है n प्लस 3 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये हो जाएगा 3n n प्लस 3 इज इक्वल टू 3n हो जाएगा ना यस सर अब आप n को आप उधर जाकर माइनस कर ये 3 इज इक्वल टू 2n हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 बाय 2 3 बाय 2 मीन 0.145 2 इधर आपके डिवाइड हो जाएगा ना यस सर 1.5 आपका राइट आंसर ठीक है n अब 1.5 को अगर आप यहां पर रखो 1.5 को यहां पर रखो दोनों आंसर सेम आए अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखें 9 में क्या कह रहा है 9 में कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर 2 की पावर 2 माइनस 1 सबसे पहले तो हम लोगों को यह जरा सॉल्व करना है कि 4 की पावर 2 उसकी पावर 2 माइनस 1 बनता कितना है उसके बाद हम उसके फिर प्राइम फैक्टर पे निकालेंगे ठीक है सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लीजिए ओके यस चार का स्केयर और की पावर 2 इसकी पावर 2 माइनस 1 सबसे पहले 4 की पावर 2 16 हो गया 16 की पावर 2 कितना हो गया 256 स्केयर आप लोगों को कम से कम 20 तक जरूर याद होना चाहिए कम से कम 20 तक ठीक है चार का 2 16 16 256 256 और माइनस 1 कितना आ गया 255 अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड नहीं हो जाता वो कहता है कि 255 का ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा ठीक है तो अब 255 का हमें करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन उर्दू में हमने इसको पढ़ा था तजदी हमने पढ़ा था ठीक है इस पे कौन सा टेबल जाएगा 5 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा 5 का जाएगा ठीक है 3 का कैसे पता चला जाएगा मैंने बताया ठीक है 8 और 1 5 तरीके बताए हुए ना 2 किस पे डिवाइड होगा 3 किस पे होगा 5 किस पे होगा बताया हुआ नहीं बताया हुआ मतलब फॉर एग्जाम्पल एक डिजिट है 3 2 5 8 इस पे 2 डिवाइड होगा ना कंफर्म है आखिर में क्या आ रहा है इवन नंबर आ रहा है अगर तो आखिर में 0 या इवन नंबर होगा उस पे 2 डिवाइड हो जाएगा ये 2 का रूल होता है ठीक है अच्छा इस पे 3 डिवाइड होगा कि नहीं होगा नहीं होगा सर कैसे पता चला 8 3 को नहीं डिवाइड ये कंफर्म है इन सबको जमा करो कितना बन रहा है
तीन दो पांच, पांच और पांच दस, दस और आठ अठारह, अठारह पे तीन डिवाइड होता है, इस पूरे डिजिट पे तीन डिवाइड होगा। ये तीन का रूल होता है, तीन का रूल क्या है, सब डिजिट को ऐड कर दो, तीन जमा दो जमा पांच जमा आठ अठारह बना, अठारह तीन का डिविजिबल है, ये पूरा डिजिट तीन का डिविजिबल होगा, ठीक है। अब उनको ऐड करो, दो जमा पांच सात और पांच बारह, और बारह पे तीन डिवाइड होता है ना, पूरे पे तीन डिवाइड होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके साथ अगर मैं एक और रख दूं, ये पांच, अब कितना हो गया, तेईस, अब इसको तीन डिवाइड नहीं होगा, 100% पॉइंट आंसर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा इस पे देखें क्या इसके पांच डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अब इससे पांच डिवाइड होगा, पांच के लिए क्या रूल होता है, एंड पे जीरो या फाइव आना चाहिए, इसके एंड पे फाइव आ रहा है ना, ऊपर से पांच डिवाइड हो जाएगा। पांच के लिए क्या रूल होता है, एंड पे जीरो या फाइव लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। एंड पे फाइव आ रहा है, उसके एंड पे फाइव आ रहा है, पांच उस पर डिवाइड हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये कुछ रूल होते हैं, मतलब छोटी छोटी जो वैल्यूज आ जाती है, जैसे अगर हम लोग सिंध वालों का इस दफा हुआ था ना, पीसीएस पे एक होता है स्क्रीनिंग, उनका टेस्ट होता है, जैसे सीएसएस होता है ना, उनको होता है पीसीएस। 2018 या 19 का उनका मैं स्क्रीनिंग टेस्ट देख रहा था, उसको मैंने इस पे चैनल पे मैंने उसका सोल्यूशन रखा था, उसमें उसने क्वेश्चन पूछा था विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब उसने बड़ी बड़ी उसने वैल्यू दे दी, 2, 4, 0, 4, 1, 6, 5, इस तरह इसी तरह उसने चार पांच उसने ऑप्शन दे दी। 11 से वैसे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 11 से वैसे एक रूल होता है, रूल से हम लोग उसी और फाइंड आउट कर लेते हैं यार इस पे 11 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। उसको भी एक इसी तरह रूल होते हैं, जैसे मैंने आपको इसको बताया 2, 3, 5 को बताया, तो ये बेसिक रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्यारह मतलब फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर पे कोई एक नंबर को डिवाइड करे को 11 का कोई भी एक नंबर, कोई भी मैं बता देता हूँ, मतलब कोई भी एक फॉर एग्जाम्पल 55 11 कितना होता है, 11 5 55 55 और 5 60 605 आएगा ना, 605 का आपका बेसिक रूल। अब आपका क्या होता है इसमें, इसमें आप लोगों का जो ये होता है, इसमें अभी ये तीन नंबर आ रहे हैं, तीनों को प्लस करेंगे, इसमें ना ये होता है कि इसमें एक होता है ये, इसको बोलते हैं ये इसको क्या बोलते हैं, यूनिट 10, 100, 1000 ये पता है ना, यूनिट 10, 100, 1000 ये कहेगा यूनिट 10, 100 और 1000 इस तरह, ठीक है। या इसको आप लोग ये बोले कि ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, इस तरह 1, 2, 3, 4, 5 ये इनको उनकी नंबरिंग होती है, ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4, ये 5, जो ऑड होते हैं उनको आपस में प्लस कर देते हैं। 6 और 5 को जमा करें कितना हो गया, 11। ये इवन नंबर पे आ रहा है, 11 में से 0 निकाल दे कितना बचा, 11, इस पे 11 इस पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इस पूरे नंबर पे 11 डिवाइड होगा। आपका जो डिफरेंस आता है वो 11 या 0 होना चाहिए, ठीक है। मुझे को और नंबर को लिखवाएं जो 4 डिजिट पे जो डिवाइड हो रहा हो, मतलब वो 4 डिजिट वाला, कोई ऐसा कोई नंबर को लिखवाएं जिसके 11 तक आगे गलत हो जाए, 4 डिजिट वाला, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर पे को कर ले, कोई बड़ी वैल्यू को कर ले, 3605 11 पे डिवाइड हो रहा है, कंफर्म 11 पे डिवाइड भी होना चाहिए सर, ऑड इवन ऑड इवन हो रहा है, नहीं लेकिन 11 पे डिवाइड होना चाहिए ना, मैं वो मुझे देख रहा हूँ। अच्छा करें जरा 11 जरा वो करें कुछ 80 कर ले, 11 जरा 83 82 कुछ भी कर, 33 55 गुड 33 55, ये कितने पे डिवाइड हो रहा है, 11 के साथ 305, 11 का 305 आ रहा है, 11 जरा 305 की है डिवाइड सर, 11 सर डिवाइड किए सर, बस ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। ये फोर ऑफ डिजिट अब इसमें देखो, ये नंबर 1 पे आ गया, ये नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, 1 और 3 वाले को प्लस करें, 3 प्लस 5 8, अब 2 और 4 को प्लस करें, 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 8 करें कितना आ गया, 0। एंड पे या तो 11 बचना चाहिए या 0 बचना चाहिए, अब ये 0 आ गया ना इसका आंसर, इसका मतलब इस पे पूरे का पूरा इसके 11 डिवाइड हो सकता है, ये जस्ट एक चेक करने का तरीका है कि इसके 11 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझा गए इसके, ओके। मतलब एंड पे इनके जो डिफरेंस आता है ना, अब इसमें डिफरेंस 11 आया था, इसमें डिफरेंस 0 आ रहा है, 0 या 11 इसका डिफरेंस आना चाहिए, फर्स्ट और 3 को ऐड किया, 2 और 4 को ऐड किया, इसका मतलब ऑड ऑड में ऐड करना है, इवन इवन में ऐड करना, इसको ये सर तो सर ऑड है ना सर, नहीं, मैं नंबर की बात करूं, ये पहले नंबर पे है,
तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे, पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। सेवन का क्या रूल होता है, सेवन का भी आपको मैं बता देता हूँ, ये समझ आ गया इसका? ओके, सेवन का रूल आपको मैं बता देता हूँ, मतलब सेवन को कोई डिविजिबल मुझे को पता नहीं कोई। हमने सवाल का जवाब दिया सर आया था। अच्छा, वो अभी हम कर रहे हैं, वो अभी कर रहे हैं। मतलब को सेवन का डिविजिबल मुझे को बताएं, 15 7 105 16 7 112 112 है क्या है फॉर एग्जांपल? ठीक है, रिपीट कर रहा है, तो कोई भी मुझे चार चीजें बता दे, पांच कोई इशू नहीं है। 4956 4956 4956 ये सेवन पे डिवाइड हो रहा है कंफर्म? ओके, अब इसका जो एंड वाला जो डिजिट है ना, एंड वाला, इसको आप दरअब आप दें 2 से, कितना आ गया 12। उसको फिर आप लोगों ने इस डिजिट के साथ आप लोगों ने करना है डिफरेंस, 495 में से आपने 12 आपने माइनस आपने करना, ये आपका फोर्थ आपका लेंथी आपका चला जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी डिजिट आ रहा है। ये कितना आ गया 483 483। अब दोबारा अब आप लोगों को इसको एंड वाला डिजिट आपको फिर आपको 3 से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड वाला डिजिट कितना आ गया 6, एंड वाला डिजिट 6 को 48 में से माइनस कर दो, 42 7 पे डिवाइड होता है ना? यस सर, ये पूरे का पूरा डिजिट डिवाइड हो रहा है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अगर कुछ छोटी अगर वैल्यू उसके लिए भी ठीक है, ठीक है, बोल रहे सर, छोड़ दे सर, ठीक है, ये महंगा पड़ रहा है सर, अच्छा नहीं हमारे पास तो नहीं है, 1 2 3 5 कम से कम आप लोगों को याद होना चाहिए, 2 3 5 कम से कम जो आपको बेसिक रूल मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो 3 डिवाइड हो रहा था 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 का बड़ा 5 17 और 17 1, सबसे बड़ा कौन सा है प्राइम फैक्टर? 17 इसका राइट आंसर। अच्छा, ऐसे भी होगा ना सर, 5 से होगा, 5 से भी होगा, डायरेक्ट में से 5 से कर दिया, 255 है ना, 5 का बड़ा 5 5 25 और 5 1 51 आ गया। उसके बाद इसको 3 का डायरेक्ट टेबल ले जाएंगे, 17 का डायरेक्ट टेबल ले जाएंगे, 17 3 3 1 फिर 17 बड़ा कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर ले, चाहे पहले बड़ा डिजिट ले जाए पहले छोटा, बात एक ही है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको हो जाएगा, 11 देखे, 11 का था, 11 कल पर तो हम लोगों ने अच्छा नहीं, ये और है 11 तो ज्यादा पानी सवाल है, 11 का देखे कैसे होना है। कहता है कि कितने इवन इंटीजर है जो कि 30 से लेस हैं और 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, 30 से छोटे 4 का टेबल पार्ट लो, 4 का टेबल 30 से छोटे कहां तक जाता है? 4 7 28 60 है जो टेबल, वो ये कह रहा है कि 30 से छोटे कितने ऐसे डिजिट हैं जो कि 4 पे डिवाइड होते हैं, 4 का टेबल आप 30 तक पढ़ लो, 4 7 12 28 7 डिजिट होते हैं जो कि 7 पे डिवाइड होते हैं, जो 7 है जी 7। 12वां क्वेश्चन क्या हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया, 12वां क्वेश्चन हम लोगों ने किस टॉपिक पे किया है? 30 तक आप 4 का पढ़ लेके जाओ, 30 तक 4 का पढ़ा 30 तक, हाँ 4 4 4 2 8 4 3 12 4 7 28 28 के बाद फिर 32 आ जाएगा, तो 4 7 12 28 60 डिजिट आते हैं, समझ आ गई? और ये नंबर ऑफ डिजिट पूछा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 कहाँ पे किया है? ये जो नंबर सीरीज हम लोगों ने किया था ना, जिसमें 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 100 तक 51 या 50 odd, ये उस तरह का है, वहां पे आपको मैंने एक फार्मूला बताया था इवन नंबर्स का सम करने का क्या। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक ही कॉमन आपको फार्मूला बताया था ना सर, इवन का अलग भी होता है ऑड का अलग भी होता है, तो आप शायद आप में से कोई बताता हो गलत जा रहा था शायद आपने, किसने बताया सामने शायद आपने, तो इसका इवन के गलत भी होता है ऑड के गलत होता है। इवन का जो फार्मूला होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन, और जो ऑड का होता है ना, ऑड का होता है ओनली एन स्क्वायर, बस ओनली एन स्क्वायर। अगर वो कह रहे ना जब पहले 10 इवन इंटीजर, यहाँ पे आप 10 का पुट कर दो, 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना आएगा? ये आ जाएगा 10 11 110, आप चाहे आप इनको जमा करके चेक कर लो, 110 बनेंगे, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20,
आप पहले 10 फिगर इंटीजर को जमा करोगे 110 ही बनेगा। अगर वो कहते पहले 10 ऑड इंटीजर सिंपल 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, पहले 10 ऑड को जमा कर ले 100 ही बनेगा। ठीक है, जिनके शॉर्ट इनके फॉर्मूला। अगर आप ओवरऑल अगर आप एक ही फॉर्मूला चाहते हो कि यार जिसमें वो भी हो जाए वो भी, फिर वही फॉर्मूला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ठीक है, वो एक टोटल एक फॉर्मूला कंप्लीट। तेरह आपका हो जाएगा, चौदह भी हो जाएगा। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन देखो, पंद्रह नंबर क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा का एक फार्मूला लग रहा है। फार्मूले भी हैं चार पांच, वो आपको दिखा देता हूँ, वो भी आपको याद होना चाहिए, बल्कि ऑलरेडी आपको याद होंगे भी इंशाल्लाह। आपको अलजेब्रा का चार पांच फार्मूले वो आपको मैं लिखवा देता हूँ जो कि कॉमनली यूज होते हैं। नोट कर लीजिए, एक तो कॉमन फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये कॉमन सा फार्मूला है। माइनस का एक फार्मूला होता है माइनस टू ए बी, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक होता है फोर ए बी, ये भी यूज होता है कभी कभार, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ फार्मूला है, ये आपको याद रखना चाहिए। एक क्यूब का भी एक फार्मूला याद रखना, इसके भी रेलेवेंट आगे क्वेश्चन आएगा। क्यूब का ए प्लस बी होल क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब बी ए बी इंटू ए प्लस बी, ये आपको याद होना चाहिए। ये बस ये इनफ है, आगे हम लोग अप्लाइड में नहीं जाते। ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर सी भी हो जाए डायरेक्ट अगर लिखते हैं, हाँ थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, बात है कि इसको ओपन कर दें। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 इन्हीं एक फार्मूले से होगा। 15 नोट कर लें, घर पे बात कर ली है से हो। क्वेश्चन नंबर 15 ये नोट डालिए सारा, एक मिनट सर, माइनस आ जाता है एंड पे, सिर्फ वो एंड वाले पे माइनस आ जाता है, वो उसको कंफर्म एक दफा कर लीजिए, वो मुझे सही घर पे याद नहीं है। एंड वाले पे मुझे ना वो डाउट है, माइनस है या प्लस है, उसको नेक्स्ट उसको कंफर्म कीजिए, इसलिए मैंने तो नहीं लिखा प्लस है सर, माइनस वाले में माइनस आता है, ए माइनस सारे माइनस सारे माइनस, वो मुझे जरा कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, वो नेक्स्ट से खुद देख लीजिएगा। अच्छा अब ना इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 15 और एक और आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये काफी दफा ज्यादा ना रिपीट हो चुका, वो भी आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 15 है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ओवर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 50, तो बताए पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आएगी। अब आप बिलीव करें कि अगर हमें यह फार्मूला ना आइडिया हो ना, आप लोग घूमते रहेंगे आप कहेंगे यार इसके अंदर से यार मैं पी प्लस क्यू कैसे निकाल लो, अगर हमें फार्मूले का आइडिया ना हो तो। ठीक है, हम कहेंगे यार ऊपर भी माइनस आ रहा है यार ये भी माइनस आ रहा है, पी प्लस क्यू उसमें से कैसे निकाल रहे हैं। अब ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक दफा प्लस लिखें और एक दफा माइनस लिखें, डिवाइडेड ये माइनस इक्वल टू 50, ये कैंसिल होगा तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 50 इक्वल आएगा। देखिए फार्मूला हमें कितना हमें यहाँ पे ये आसानी करेगा इंशाल्लाह। अच्छा इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये बहुत ज्यादा दफा ना पेपर रिवाइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें,
ये जो 6 जून का पेपर हुआ था ना, 6 जून का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 जरा चेक करेगा। क्वेश्चन नंबर 70 ये भी बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो चुका है। 70 नंबर ये जरा चेक करेगा। 31 1000 1000 का स्क्वायर माइनस 9999 का स्क्वायर। अब साथी ये भी बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो चुका है। इस दफा 6 जून के पेपर में भी आया हुआ था। स्पष्ट मुझे बताया था 6 जून का जो गैट के पेपर होते उसमें स्टूडेंट मुझे बताया तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे मैथ के कम से कम। हाँ इस बताए तो उसने पैसा ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। रेशियो में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे सेम टू सेम। अच्छा अब अगर मैं पार्ट नंबर इसका स्क्वायर ओपन कर लूँ तो हो तब भी जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफा प्लस कर दे ए प्लस बी और एक दफा इनको माइनस कर दे ए माइनस बी। इनको जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा 1999। इसको जब माइनस करोगे तो आएगा 1। ये आपका राइट आंसर है 1999। ठीक है आपको फार्मूले का फायदा हो जाएगा। फार्मूले की वजह से आप फार्मूले वैसे ही लेकिन वो काम बहुत लेंथी पड़ जाएगा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर आपने ये 16, 17, 18 आपने खुद करने हैं। 19 भी आपका हो जाएगा आपने वैल्यूज आपने पुट करनी है। 20 भी हो जाएगा 21 भी हो जाएगा। 22 नंबर मुझे क्वेश्चन नंबर आगे दे रहा 22 की क्वेश्चन बना जो जो मैं छुड़वा रहा हूँ ना जो नहीं हुआ उसको सर्कल करके बेशक मुझसे बाद में पूछ लें ठीक है। नो इशू। क्वेश्चन नंबर 22 कर देंगे। रेज कर दो ये आप लोगों को याद है जो परसेंटेज था हम लोगों ने जो टॉपिक दिया था। परसेंटेज के टॉपिक में मैंने आप लोग कुछ शॉर्ट टर्म्स बताए थे इक्वेशन बनाने के तरीके बारे बताए थे यहाँ पे वो अप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखें 4/3 ऑफ को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई और नंबर एक्स इज इक्वल टू 22 इक्वेशन बन गई एक्स इज पता निकाल नहीं यहाँ से आप लोग एक्स निकालें नहीं वो पॉइंट भी जानता रहा वो बटा में रहने दे बटा वाली वैल्यू आ गया नहीं बटा को पॉइंट मैंने लेके जाओ आंसर लेंथ हो जाएगा उसी को आगे पुट कर दो सही से। एक्स इक्वल टू 22 3/4 ये आ जाएगा 66/4 यानी के 33/2 ठीक है। इसी को आगे पुट कर दे वो कहता है व्हाट इज 8/3 ऑफ दैट नंबर व्हाट इज 8/3 ऑफ दैट नंबर नंबर कौन सा आया 33/2 इसको आप सॉल्व करें ये आ जाएगा 44। यहाँ पे एक्स की जगह बेशक वाई रख ले क्योंकि ये भी तो आप एक्स से पुट कर रहे हो बात एक आपने आंसर क्यों टाइप करना तो इसका 44 इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे भी आप लोगों को वही परसेंटेज की शॉर्ट टर्म्स आपको काम आए परसेंटेज मैंने बताए थे शॉर्ट टर्म समझ नहीं है इसकी क्वेश्चन पहले मैंने बनाई है 4/3 कह रहे ऑफ ऑफ को क्या लिखते हैं परसेंटेज का लेक्चर ये होगा ना मल्टीप्लाई आपको लिखते हैं मल्टीप्लाई नंबर एक्स इसका मतलब इज इक्वल टू 22 यहां से इसको सॉल्व करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली ठीक है जमी एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली 33/2 कहता है उसी का 8/3 कितना होगा उसी का यानी 33/2 का 8/3 कितना होगा उसको सॉल्व किया तो 44 था। क्वेश्चन 23 का देखिए 23 हो जाएगा 23 का क्या आंसर आता है आप लोगों से साथ साथ डिस्कशन भी करता जाता हूँ। नहीं ठीक है सर एक क्वेरी है सर ये जो x इज इक्वल टू 8/3 लिखा आपने 8/3/2 जिस तरह आप कह रहे थे ऑफ का मतलब होता है x 4 इंटू 3 ऑफ x
तो इससे मैं हमें कैसे बता लगेगा कि उसी का आप कह रहे थे वर्ड यूज कर रहे थे उसने कहा है ना एट वैल्यू ऑफ दैट नंबर तुझे वाला नंबर हमारा निकला है उसी का एक उधर भी ऑफ है वो ये भी कह सकता है व्हाट इज एट थर्ड ऑफ एट थर्ड मतलब वो भी एट बाई होगा थ्री फोर्थ थ्री बाई फोर वन थर्ड वन बाई थ्री टू फिफ्थ टू बाई फाइव इस तरह वर्ड यूज करता है वो क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है बेसबॉल टीम वन डब्ल्यू गेम्स एंड लॉस्ट एल गेम्स द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग देयर लॉस्ट गेम्स इज सर जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं अरे मैट्रिक का सवाल है 22 नंबर 22 नंबर परसेंटेज ये 22 नंबर में नहीं परसेंटेज का नहीं है उसी की तरह है लेकिन इसमें टर्म्स हम लोगों ने वो यूज किए क्योंकि इसके अंदर ऑफ यूज कर रहा है इज यूज कर रहा है वो मैंने आपको उसको बताया था ना ये जो शॉर्ट टर्म मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको हर जगह काम आएंगे अब ये क्वेश्चन बनाने में आपको काम आ गए सर जी कहता है कि एक बेसबॉल टीम है उसमें जो वन किए हैं वो डब्ल्यू गेम्स हैं और जो वो हारा है दैट इज एल गेम्स लूज जो किए उसने वो है एल गेम्स अब वो ये कहता है कि मुझे लॉस्ट गेम्स के फ्रैक्शन बताओ लॉस्ट गेम्स के फ्रैक्शन क्या आएगी तो मुझे बता सकते हैं लॉस्ट के फ्रैक्शन क्या आएगी लॉस्ट डिवाइडेड डब्ल्यू अपॉन एल सर एल अपॉन डब्ल्यू एल अपॉन डब्ल्यू एल इसमें बहुत ज्यादा सुना इसमें गलती करते लेकिन आपको इसको क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं फिर आपका आंसर सामने आ जाएगा मतलब उसने जो वन किए हैं वो पांच गेम में विन किए हैं और उसने जो लॉस किए हैं वो तीन गेम में लॉस किए हैं अब मुझे बताया इसमें लॉस की फ्रैक्शन क्या आएगी तीन बटा आठ गेम हो गया आठ में से वो तीन आ रहा है तो ये उससे शायद आप लोगों को याद हो मैंने आपको परसेंटेज में भी एक पॉइंट बताया था कि दो ऐसी चीजें जो हमेशा टोटल में से लेते हैं एक फ्रैक्शन और एक परसेंटेज फ्रैक्शन भी हमेशा टोटल में से लेते हैं और परसेंटेज भी हमेशा टोटल में से लेते हैं फ्रैक्शन मतलब बटा बटा के नीचे टोटल वैल्यू आनी चाहिए नीचे आठ है यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या है डब्ल्यू प्लस एल ये इसकी टोटल वैल्यू है ठीक है इसमें थोड़ा गलती ज्यादा करते हैं टोटल गेम डब्ल्यू प्लस एल बनेगी ना इसमें टोटल गेम पांच जमा तीन आठ बन गई तो ये एल ओवर डब्ल्यू प्लस एल है दो चीजें टोटल में थे फ्रैक्शन और परसेंटेज आठ गेमों में से तीन हार गए पांच जवाब आ गए नहीं अगर वो कहते ना कि जीता कितने वो तो पांच है लेकिन उसने फ्रैक्शन कहा मुझे बटा में बताओ तीन बटा आठ आठ में से तीन गेम में वो हारा वो फ्रैक्शन में आपसे पूछ रहा है अच्छा 24 नंबर सर ये भी क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 ये भी इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी फोर जी देखते हैं 24 को करने से पहले हम लोग इसका एक छोटा सा कंसेप्ट भी समझ लेते हैं 24 देखो क्वेश्चन नंबर 24 से पहले इसको मैं छोटा सा आपको एक और कंसेप्ट क्लियर कर दूं एक है 2 की पावर x = 2 की पावर 5 एक है 2 की पावर x = k की पावर x अब ये दो डिफरेंट कंसेप्ट है ठीक है ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर इसको बोलते हैं बेस इसको बोलते हैं पावर इसको बोलते हैं बेस इसको बोलते हैं पावर अगर बेसिस सेम हो तो हम उनको काट देते हैं ये राइट आंसर आ जाता है अगर पावर सेम हो तो हम काट देते हैं ये राइट आंसर आ जाता है ठीक है ये आप लोगों ने याद रखना है अगर बेसिस सेम हो तो उनको काट दो पावर राइट आंसर आ गया एक्स इक्वल टू वाई सेम हो तो प्लस नहीं होंगे पावर नहीं 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 उनके दरमियान प्लस तो नहीं मल्टीप्लाई हो फिर होंगे सर इनके दरमियान प्लस तो नहीं होगा मल्टीप्लाई फिर होंगे सर अगर मल्टीप्लाई तो फिर पावर ऐड होंगे अगर प्लस हो तो फिर इंटीजर ऐड होते हैं अच्छा इसमें पावर सेम है तो पावर कार्ड दे दीजिए आपका राइट आंसर ठीक है ये दो बेसिक कंसेप्ट है अलग अलग अगर पावर डिफरेंट हो जो ना सर क्या कहते हैं बेस भी डिफरेंट हो फिर तो एज इट इज आंसर हो जाएगा वो फिर लाजमी बात है इनके साथ वो उसी के रेलेवेंट कोई और चीजें हो जाएगा
ये तो राइट आंसर ऐसे बन ही नहीं सकता। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 है, 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 है। अब मेरी कोशिश ये होगी कि या तो इसको मैं पावर n में लिख लूं या इसको 3 की बेस में मैं लिख लूं, मैं या तो इसको 3 की बेस में लिखूं या इसको पावर n में लिखूं। अब पावर n में तो इसको मैं नहीं लिख सकता, इसको मैं 3 की बेस में लिख सकता हूं। कौन सी 3 की बेस में आता है, 3 की बेस 3 की पावर 4, 3 को 4 दफा अगर आप दरअ करें तो 81 आता है। अगर आपसे नहीं फाइंड आउट हो रहा तो 81 की फैक्टराइजेशन कर लो, आपको पता चल जाएगा 3 4 दफा आता है, 3 27 3 9 3 3 और 3 1, 3 4 दफा आ गए। इसका मतलब ये आपका बन जाएगा 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। इसको आप लिखो 3 की पावर 4, बेसिस सेम होगी, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह हमारे राइट आंसर आते हैं। राइट 81 को मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया, 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आ गया, 3 और 3 बेसिस सेम हो गए, काट गए, n इज इक्वल टू 4, ओके। इस तरह का भी एक दो सवाल है, इस तरह के आप देखें। क्वेश्चन नंबर आपने 32 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 36 भी आपने खुद करना है, 27 करना है। मैं करवा देता हूँ, मैं इसके रेलेवेंट आपको आगे मैं बता रहा हूँ। 32 और 36 आपने खुद करना है, 27 28 29 तीनों एक जैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ। 27 28 29 तीनों एक जैसे। जी ओके, नोट कर लिया। ट्वेंटी सेवन में कहता है m इज एन इवन इंटीजर एंड 3m इज लेस देन 48। m एक इवन इंटीजर है, अच्छा कहता है 3m लेस देन 48 और 2m ग्रेटर देन 24। अब इसको आप लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है जिस तरह आप लोग इज इक्वल टू को सॉल्व करते हो, यानी कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करो उधर जाके डिवाइड कर दो, m लेस देन 48 ओवर 3, m लेस देन 16, यहाँ पे भी 2 को उधर डिवाइड कर दो, m ग्रेटर देन 12। अब जो m की वैल्यू है ना वो 12 से बड़ी है और 16 से छोटी है, 12 से बड़ी 16 से छोटी क्या हो सकती है, या तो 13 हो सकती है या 14 हो सकती है या फिर 15 हो सकती है, लेकिन उसने कहा मुझे इवन इंटीजर चाहिए, इवन इंटीजर क्या बनेगा 14, आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी तरह है, 29 भी इसी तरह, इसको बेसिक चेक कर ले, तीनों सेम है। एम 16 से सर, एम 16 से छोटा है और 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा 16 से छोटा तीन डिजिट आता है, 13 14 15, उनमें से फिर इवन कौन सा है, 14, 14 राइट आंसर। थर्टी खुद करेंगे, 31 32 ये खुद करेंगे और आगे आ जाए आप अगले नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 38 हो जाएगा ना, 38 देखे 7000 मीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, ठीक है। मैंने बीच में छुड़वा दी, बिल्कुल आसान आसान है। क्वेश्चन 39 पे खुद करेंगे, 40 देखे क्वेश्चन नंबर 40 आया होगा, जी बहुत ज्यादा दफा रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और सर एक आपका 58 नंबर बहुत ज्यादा दफा रिपीट हो, 58 भी चेक करें, प्लेंटी ऑफ टाइम रिवाइज हुआ है 58 वाला, जी प्लेंटी ऑफ टाइम, ये बहुत ज्यादा दफा है। ये मैं इधर एक अकेडमी पढ़ा रहा था, वहां पे मुझे स्टूडेंट ने आपने बताया 30 आज हमारे पीटीएस के पेपर में आया हुआ था, एक दो दफा और मुझे स्टूडेंट बता चुके हैं 58 वाला, ये मतलब सिर्फ एनटीएस में ही बाकी भी इसको कॉपी करते हैं, बहुत अच्छा सर मैंने किया। अच्छा 40 नंबर का देखते हैं, 40 क्या कहते हैं, 40 नंबर में जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को आप लोगों ने एक्सपोज कर देना, क्वेश्चन आगे हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क से घबराने। हाँ 39 ये आसान है, मैं करवा देता हूँ 39 बहुत आसान है, मैं करवा देता हूँ। देखो कहता है कि दो नंबरों को ज़रब करें तो 294 आता है, ये कह रहा है ना, दो नंबरों को अगर ज़रब करें तो 294 आता है, कहता है एक नंबर 7 है दूसरा क्या होगा, देखो
अगर दो नंबर है, एक है सेवन है और दूसरा नंबर आप एक्स फोर कर लो, इनको दरअप करें तो 294 आता है। आप एक्स निकालो, दो नंबरों को दरअप करें 294 आता है, एक नंबर सेवन है, सेवन को डिवाइड करा देगा। ओके, ये आसान था। अच्छा 40 में कहता है क्वेश्चन मार्क ओवर सेवन, क्वेश्चन मार्क ओवर सेवन इज इक्वल टू 28 ओवर क्वेश्चन मार्क। सर जी जब कभी भी क्वेश्चन मार्क आए उसको सिंपल उसको एक्सपोज कर लो, आपका छोटा इसमें प्रेशर कम हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। एक्स ओवर सेवन इज इक्वल टू 28 बटा एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196, इसका अंडर रूट लो, एक्स इज इक्वल टू 14। ठीक है, इसका एक और तरीका क्या है, यहाँ पे x की जगह बारी बारी आप ऑप्शन को पुट करते जाओ, कौन सी साइडें दोनों बराबर आती हैं। मसलन ऑप्शन में क्या क्या है, 19, 18, 16, 14, 12, 19 पुट करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, और 18 पुट करोगे फिर भी 7 डिवाइड नहीं होगा, 16 पुट करोगे फिर भी डिवाइड नहीं होगा, बस 14 ही डिवाइड होगा। अगर मैं ऑप्शन से अगर चेक करूं ना, सिर्फ और सिर्फ 14 इस पे डिवाइड हो रहा है, 14/7 = 28/14। अब ये देखो दोनों साइड बराबर है, 2 = 2, 14 राइट आंसर। ऑप्शन से आप इसको चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसमें कौन सा रूल लग रहा है, कोई मुझे बताएगा 41 में रूल कौन सा लगता है? बड मास। अगर सबको आइडिया है तो ओके आगे चलते हैं, नहीं तो मुझे बता दें। बड मास सबको ओके है ना? सर डिमास का तो पता है, बड मास, बडमास रूल, बडमास रूल होता है पहले ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। याद है आपको जब परसेंटेज करवाया था तब मैंने ये बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट बीच में नहीं है। अब सबसे पहले आप डिवीजन वाला अपने काम आपने करना है, 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन वाला काम, फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ये भी हो जाएगा, हाउ मेनी। अच्छा ये 43 नंबर देते हैं, 43 कहते हैं इसमें कोई फार्मूला नहीं है 43 वाले में, आप लोगों ने मैनुअली इसको कैलकुलेट करना है। 43 500 से 600 तक कितने ऐसे नंबर है जिनमें 9 सिर्फ एक दफा आता है? शाबाश इनको जरा काउंट करें। ठीक है, बाकी को इसको ट्राई करें, बाकी को क्या आंसर आता है? 20 आ रहा है, 20 आंसर है कि नहीं है? ऑप्शन में तो है लेकिन गलत 20 नहीं आता। आप लोगों ने 599 को भी आपने कैलकुलेट कर दिया, 99 तो कैलकुलेट नहीं करना ना, डिजिट वो रखने जिनमें 9 से एक दफा है, इन विच 9 अकर्स ओनली वंस, 9 से एक दफा आना चाहिए, 99 कैलकुलेट नहीं होगा। टोटल इसके 18 डिजिट, 19 नहीं है क्या? 18 डबल 9 अकाउंट नहीं होगा सर, उसमें 92 टाइम आता है, 509, 519, 529 इस तरह करते करते। अच्छा स्टूडेंट जाकर ना 589 पे रुक जाते हैं, कहते हैं बस यही है, हालांकि 589 के बाद 590 भी है, 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 98 तक काउंट करेंगे तो टोटल 18 डिजिट। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद इनको काउंट करना है, इसका फार्मूला नहीं है, अगर कोई फार्मूला होता मैं आपको जरूर बता देता, मेरे माइंड में क्वेश्चन नंबर 45 देते हैं, 45 क्या करता है? सर क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, 45 देखें, 45 में कहता है ए एंड बी आर टू इंटीजर सो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड बी? 45 नंबर, 45 कहता है अगर मैं ए प्लस बी करूं तो वो 10 आता है, मुझे बताओ ए मल्टीप्लाइड बी का
ग्रेटेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा आंसर क्या होना चाहिए? देखो सबसे पहले तो बाबा ये चेक करना है कि ए प्लस बी इक्वल टू जो टेन आ रहा है ना, ये किस किस तरह आ सकता है? या तो वन प्लस नाइन भी आ सकता है, टू और एट भी हो सकता है, थ्री सेवन भी हो सकता है, फोर सिक्स भी हो सकता है, और फाइव फाइव भी हो सकता है। अब वो ये कहता है कि मुझे ए मल्टीप्लाइड बी का सबसे बड़ा आंसर बताओ कौन सा पॉसिबल है। वन इंटू नाइन, ये तो नाइन बनता है, ए की जगह वन रखो, बी की जगह नाइन, ये नौ बनता है, दो दरब आठ, ये तो सोलह बनता है, तीन सात बार इक्कीस बनता है, चार छह बार चौबीस बनता है, लेकिन पांच दरब पांच करेंगे तो ये सबसे बड़ा आंसर बनेगा, दैट इज 25। ठीक है, ये वैल्यूज मुझे खुद मुझे सपोज करनी पड़ेंगी क्योंकि उसने मुझे क्लियर नहीं किया कि यार ए प्लस बी इक्वल टू टेन हमने कौन कौन सी वैल्यू रखी हैं, ये मुझे खुद जहां पे बनानी पड़ेगी। राइट, ओके, डाउट कभी कभी डाउट में आ जाते हैं, बताएंगे ये खुद हमें अज्यूम करने, उसने हमें क्लियर नहीं किया ना, उसने तो मुझे ये कहा कि ए प्लस बी इक्वल टू टेन है बस, अब वो चला बात है, वो मुझे खुद इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे यार इनके क्या क्या इनके फैक्टर थे। ठीक है, अच्छा 40 में आपको हो जाएगा, 47 भी, 48 भी, एचसीएफ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 49 पे। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? कैसे निकालते हैं? इसके भी दो तरीके होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के भी, जैसे आप लोगों को मैंने वो डिवीजन से भी वो उससे जैसे आपको मैंने वीडियो सेंड की थी ना उसकी, यार यार जल्दी लिखा करो, टाइम शॉर्ट होता है। समझने में टाइम लगाते हैं, लिखने का भी टाइम दिया करें, बाकी भी तो सारा समझते हैं। इसका सरात है जो 49 का 8 है जो हमेशा करता था, पिक्चर अब ले लिया करो मोबाइल में, अभी तो हम लिख रहे हैं वो मैं पढ़ रहा, अभी बता लगो वो भी इसमें है, वो भी इसमें है क्वेश्चन है, वो एटलीस्ट के पास पेपर सारे इसमें ऐड है यार, इंशाल्लाह क्या होता है एचसीएफ उर्दू में, इसको क्या कहते हैं? आदे आजम, शायद किसी ने आप में से पढ़ो आदे आजम, तो फैक्टराइजेशन अलग है, मेथड है, डिवीजन अलग है, मैटर है। सबसे पहले आप इन दोनों की फैक्टराइजेशन करें, 16 के फैक्टर बनाए, दो आठ, दो चार और दो दो, 24 के फैक्टर बनाए, दो बारह, दो छह, दो तीन, इनके फैक्टर आप लिख लिया, इसके लिखे चार दफा और ये 24 के लिखे तीन दफा और सात, ये थ्री आ गए। अब आप इनके निकाल लें कॉमन, कॉमन कैसे, आप इनके सर्कल बना लें, ये सर्कल और ये सर्कल, ये इनके कॉमन आ गए। ठीक है, इन तीनों को लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एक दो तीन, तीन कॉमन आया, ये आपका टोटल एट आपका एचसीएफ आ गया। इसमें से एक निकाल लिया, इसमें से एक निकालिए, इसमें से एक, वो कॉमन नहीं है उनको छोड़ दीजिए, आपका एचसीएफ आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 और 24 में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है जो दोनों पे डिवाइड हो रहा है, दैट इज 8। अब वैसे भी आप इसको अगर तो माइंड क्लिक करते तो वैसे इसको डायरेक्ट आप निकालो, ये तो जस्ट एक मैंने आपको तरीका कार बताया ना फाइंड आउट करने का। ओके, एक इसका होता है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड क्या होता है, 24 को अंदर लिखे और 16 को बाहर लिखे। ठीक है, एक बार
अब 16 एक बार 16 कितना 8 बच गया। अब 16 को फिर आप अंदर लिखे दो बार 8 दो बार 16 जो एंड पे जो डिवाइड होता है ना दैट इज एचसीएफ। एंड पे 8 डिवाइड हुआ ना 8 इसका एचसीएफ है। फिफ्टी एक दफा देख ले कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 50। सर ये अलजेब्रा का कौन सा क्वेश्चन है? बुक्स ले रहे हैं बहुत सारे देखिए मेमोरी की आ गई ना ज्योमेट्री के ना अलजेब्रा के। मैंने आप लोगों को बताया था यार अलजेब्रा में तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अलजेब्रा में तो सब मैंने ये बताता था हम सब लिखते जा रहे हैं। अभी तो आगे बहुत कुछ लिखना है। एक तो पता नहीं कितने क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है यार शाम तक बैठना होगा। फिफ्टी देखे फिफ्टी कैसे करना है। फिफ्टी में कहता है इफ एम इज एन इवन इंटीजर इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड एन इज एन ऑड नेगेटिव इंटीजर देन व्हाट इज एम इनटू एन। एम मल्टीप्लाइड एन की वैल्यू क्या होगी? ठीक है एम कह रहा है इवन पॉजिटिव इंटीजर है और एन कह रहा है नेगेटिव ऑड इंटीजर है। एम को आप कोई भी एक पॉजिटिव इवन इंटीजर आप कॉल अप कर ले। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है एम इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। एक तो इवन होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए मतलब फॉर एग्जाम्पल प्लस टू है। एक तो पॉजिटिव भी है और इवन भी है प्लस टू। फिर वो कहता है जो एन है वो एक तो ऑड भी होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए माइनस थ्री कर लें। अब ये कहता है कि मुझे बताओ एम क्रॉस एन का क्या बनेगा एम इंटू एन तो प्लस टू इंटू माइनस थ्री ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स। एक तुझे नेगेटिव भी आना चाहिए और इवन भी आना चाहिए। अब आप अपने ऑप्शन देख ले कौन सी है नेगेटिव एंड इवन सी दैट इज सी ऑप्शन। आप लोगों को ये लेट करने पड़ेंगे डिजिट्स वगैरह कोई भी रख ले प्लस फोर रख ले प्लस सिक्स रख ले लेकिन इवन होना चाहिए। और बच्चे एक और चीज याद रखें अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन के लिए अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना तो हमेशा आप छोटी छोटी वैल्यूज आप रखा करें जिनके ताकि कैलकुलेशन आप कर भी लें। ऐसा ना हो बड़ी बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करने की शुरू हो जाए फिर वो। और अगर एक कोई यूनिट अगर वैल्यू रखने तो 100 आप सपोज किया फिर यूनिट अगर कोई रखने है तो ऑप्शन सी नेगेटिव भी होना चाहिए इवन भी होना चाहिए माइनस सिक्स। ठीक है सर जी कॉमन आप खुद करेंगे। 52 देखे विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है 43 गुड हो गया। ठीक है 53 देखें। अब 53 से ऑनवर्ड आगे क्वेश्चन अब आपके मुश्किल आ रहे हैं। ठीक है आगे आप मुश्किल आ रहे हैं 43 से आगे। अच्छा प्राइम नंबर कैसे पता चलेगा? ओके नंबर आप हम लोग पहले नंबर पढ़ लेते हैं आपसे डिवाइड कर लिया प्राइम नंबर तो आपसे आपको तकरीबन 5 से 6 किस्म के नंबर होते हैं वो सारे डिस्कस कर लेते। एक होता है नेचुरल नंबर इनको एन से लिखते हैं ये स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 4 अप टू एन दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक होते हैं होल नंबर डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं सॉरी डब्ल्यू से डिनोट जीरो से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू एन। नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ जीरो का फर्क होता है। ठीक है एक होते हैं इवन नंबर टू फोर सिक्स एट टेन अप टू एन। जीरो ना इवन में आता है ना ऑड में आता है सिर्फ होल नंबर में बस आएगा। ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से 1 3 5 7 9 अप टू एन। अच्छा ये क्वेश्चन करने से प्राइम नंबर करने से पहले आप लोगों से मैं क्वेश्चन एक और पूछता हूँ जो आप लोगों के गैट के पेपर में नेट में ऑलरेडी काफी दफा रिवाइज हो चुका है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर्स पहले पूछा हुआ है
नहीं पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर, ये आप लोगों के पेपर में काफी दफा रिवाइज हो चुका है। 1 7 12 आएगा सर। व्हाट इज द सम सम ऑफ फर्स्ट थ्री प्राइम नंबर? 13 10 10 सर। अच्छा मैं इसके ऑप्शन में लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 10 और ई ऑप्शन है 11। 11 हो गया, एक 10 हो गया, एक और 9 हो गया, और कोई 6 हो गया। 1 भी है सर। 1 ही नहीं, वो तो फिर मैं बताता हूँ ना, पहले आंसर एक दफा क्लियर हो जाए आपको, सारे क्लियर हो जाएंगे। 9 है सर। 9 आपके हिसाब से क्या होना चाहिए काम, पहले तीन नंबरों का? 9 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
कैसे टेन कैसे है, प्राइम नंबर हमेशा टू से स्टार्ट होते हैं, कभी भी वन से स्टार्ट नहीं होते, याद रखिएगा। प्राइम नंबर हमेशा टू से, तो उसकी वजह क्या है, वजह फिर मैं बताता हूँ, पहले लिख लें। प्राइम नंबर क्या होते हैं जी, टू थ्री फाइव सेवन अलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री एंड सो ऑन अप टू एन। एक और चीज याद रखे, एक से लेकर सौ तक पच्चीस प्राइम होते हैं, ये लिख लो, आ भी सकते हैं पेपर में। जी सर। एक से लेकर सौ तक पच्चीस प्राइम नंबर होते हैं, वन टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव प्राइम होते हैं। ये इसको चेक भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सर मैं ऐसे लिखवा दिया, इनको चेक भी कर रहे हैं, वाकई यार पच्चीस होते भी है कि नहीं। प्राइम नंबर अपने से अलावा किसी और से नंबर नहीं, मैं अभी मैं बताने लगा कि वन क्यों नहीं है प्राइम नंबर, उसके रीजन मैं अभी बताता हूँ। ये कुछ नंबर होते हैं कंपोजिट अदर देन प्राइम नंबर, एक होते हैं कंपोजिट अदर देन प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होता वो कंपोजिट होता है, जो प्राइम नंबर ना हो वो कंपोजिट होगा, यानी कि वन फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन अप टू सो ऑन, ये होंगे कंपोजिट अदर देन प्राइम नंबर। सर वन तो खुद पे ही हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा है, प्राइम नंबर क्यों नहीं हुआ सर? मैं वही मैं बता लगा, इसको पहले लिख क्या मैं आपको बताता हूँ, इसके डेफिनेशन आपको प्रॉपरली मैं बताता हूँ। देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिखे, प्राइम नंबर अ नंबर हैविंग टू मल्टीपल, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो मल्टीपल होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, अ नंबर हैविंग टू मल्टीपल्स इज अ प्राइम नंबर एंड द टू मल्टीपल आर वन एंड इटसेल्फ। एक तो उसपे वन भी डिवाइड होता है और उसपे अपना आप भी डिवाइड। अब वन के दो मल्टीपल कैसे हो सकते हैं? टू मल्टीपल नहीं हो सकते ना, वन के तो दो मल्टीपल नहीं हो सकते। अब टू के तो चलो दो मल्टीपल है, उसपे वन भी डिवाइड हो रहा है टू भी डिवाइड हो रहा है, वन के दो मल्टीपल नहीं, इसलिए वन इंक्लूड नहीं होता प्राइम नंबर। टू मल्टीपल टू मल्टीपल है, टू मल्टीपल वन एंड इटसेल्फ, एक तो वन पे डिवाइड होगा एक वो अपने आप पे डिवाइड होगा, इसलिए। आप ये भी याद रख सकते हो प्राइम नंबर पे ओवर पढ़ा जाते ही नहीं, सिर्फ अपने पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, नोट कर लिए ओके। सर मैं रेकग्निशन कैसे होगा, रेकग्निशन कैसे होगा, नहीं वो तो आप देखो ना, आप ये इसमें आपने देखा 22 पे भी डिवाइड हो रहा है, 30 पे भी डिवाइड हो रहा है, 15 पे भी, 18 पे, 43 पे, कोई नंबर डिवाइड ही नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया ना, अगर कोई मुश्किल काम आ जाए तो लाजमी बात है आपको फिर उसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा ना, कैसे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का पेपर है तो 2018 उसमें क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर, 101 102 103 105, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर कौन सा था? ये आया हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए के पेपर में 17 स्केल, या एमओडी के पेपर 17 तरह, ये 17 स्केल के पेपर में। क्वेश्चन क्या था सर? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर, थ्री डिजिट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 101 है।
103 भी प्राइम नंबर है लेकिन वो स्मॉलर 101। इसकी कोई टेक्निक बता दें आपने किस तरह बैक से कोई टेक्निक। यार देखो 101 पे कोई टेबल डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं ना हो रहा, तो प्राइम नंबर होते ही हुआ जिस पे सिर्फ अपना टेबल है जिसपे 101 ही जाएगा या 1 जाएगा, वो कोई टेबल डिवाइड नहीं जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 डिजिट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 वो कहता है कि अगर a इज इक्वल टू बी सी हो तो फिर बताओ b ओवर c की वैल्यू किसके ऊपर होगी। अब यहां से आप लोगों को b ओवर c इसको खुद आपको बनाना पड़ेगा। कैसे? अगर तो आप b को आप इधर रहने दें तो क्या बन जाएगा a ओवर c, लेकिन मुझे तो b ओवर c चाहिए ना, मुझे b तो नहीं चाहिए। अब आप दोनों तरफ अगर आप लोग c से इसको डिवाइड कर दें तो ये b ओवर c बन जाएगा। इधर भी c से डिवाइड कर दें, इधर भी c से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो b ओवर c कितना बन गया? a ओवर c स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर है, b ओवर c इज इक्वल टू a ओवर c स्क्वायर। सर काइंडली वो बता दें कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वेशन होती है उसमें हम इक्वल नंबर ऐड भी कर सकते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर दोनों। वो तो हम लोगों ने इक्वेशनों को अगर हम लोगों ने किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब हम लोग करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल x + 3 = 7 है ना जी सर, ये तो एक आसान से टर्म आप पूछ रहे हो जी। इस माइनस इधर भी हम करेंगे, 7 माइनस हम इधर भी करेंगे, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं इसी तरह। रेसिप्रोकल आप इसको डायरेक्ट आप उधर उठा के ले जो बात एक ही है, x की वैल्यू आपके पास निकाल लें। ठीक है सर, थैंक यू। इसे सी खुद अपनी तरफ से ये मैंने खुद में डिवाइड किया b ओवर c बनाने के लिए, b ओवर c बनाने के लिए मैंने किया खुद, ठीक है। तो डिवीजन तो कभी नहीं आएगा सर, ये तो हमें करना पड़ेगा, डिवीजन में तो नहीं है। नहीं, ये खुद आपको बनाना है बी ओवर सी, तो ये कभी नहीं है। इसके एक और आसान हल भी है ना, आसान हल ये है, ए इज इक्वल टू बी सी कह रहा है ना, ए इज इक्वल टू बी सी। आपने अब इसको बी ओवर सी बनाना है तो उसको भी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर भी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये देखो एक सी से कैंसिल होकर बी ओवर सी बन जाएगा। करना पड़ेगा सर, वैसे नहीं करना पड़ेगा, हमें बी ओवर सी बनाना है, हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। 54 भी आप कर लेंगे, 55 देखे हो जाएगा, 54 करवाओ। अच्छा ये वाला स्क्वायर सी से कट गया, थोड़ी देर चला दे फैन चला दे। जमीला देखना भी ठीक है यहाँ पे, ठीक है ओके। नहीं तो कुछ अगर बाद में रह गया तो कुछ अगले संडे कर लेंगे, आप अगले संडे भी है कुछ सैटरडे को कर लेंगे संडे। 0.56 डिवाइडेड बाय 1.28 क्वेश्चन नंबर 54। 0.56 डिवाइडेड बाय 1.28 है,
अब इसमें कहा जा रहा है कि बताएं इसमें से अगर मैं इसको ए ओवर बी के अगर फॉर्म में लिखता हूं तो बताएं कि इसमें बी की वैल्यू पर क्या आएगी। अब इसको इशारे इशारे खत्म हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि दोनों दो पॉइंट के बाद है, ये भी दो पॉइंट के बाद है, ये भी दो पॉइंट के बाद है, इशारे डायरेक्ट मैंने खत्म कर दिए। फिर वो लाजिक बात है, फिर मुझे नीचे 100 लेके आना पड़ता, 1000 ऊपर, फिर 100 लेके जाना पड़ता, ये सेम पॉइंट है। ये हो गया 56/128। अब आप इस पे 8 कटे हुए, 8 7 बार, 16 8 बार 128, 8 का पाड़ा, ठीक है, 8 7 8 16, बी की वैल्यू क्या आ गई 16, क्योंकि उसने कहा था ये ए और बी के फॉर्म में, ये ए है ये बी है, बी की वैल्यू आ गई 16। और सर ये डेसिमल का काइंडली बता सकते हैं कि तीन डिजिट होते तो आप किस तरह हंड्रेड वाला जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं? मसलन फॉर एग्जांपल अगर ये होता 0.565/1.28 होता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता। अब इसका पॉइंट एंड होना था ऊपर, दो जीरो जाने थे क्योंकि इसके आगे दो डिजिट है, इसका पॉइंट एंड होकर नीचे तीन जीरो आने थे, 1 2 3 इस तरह, ये फिर भी खत्म हो जाने थे, ये बाकी बचना था 55 में कहता है 44 का स्क्वायर बटा 11, 44 सॉरी स्क्वायर नहीं अंडर रूट ओवर 11 इंटू 44 अंडर रूट ओवर 11। क्वेश्चन एक्स की वैल्यू क्या होगी? अब आपको पता है कि अगर अंडर रूट 2 हो और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 हो कितना बनता है? अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना होता है? अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 आता है, अंडर रूट 2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं ना तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, इसका मतलब इसको डायरेक्ट मैं 44 में लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इतने बनना है 44 का अंडर रूट का स्क्वायर और वो फिर 44 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग लिख भी लेते हैं 44 का अंडर रूट का स्क्वायर और नीचे 11 का स्क्वायर, ठीक है। यस, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 44 ओवर 121, 11 का 11 4 11 11 4 ओवर 11 आपका राइट आंसर, ठीक है। दर्जी ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे पास पेपरों के क्वेश्चन है, आप लोगों ने याद रखो जितने भी आपको मैं करवा रहा हूँ, रटे लगा दो रटे, दोनों आ जाएंगे। अच्छा नहीं ये सवाल मैं कह रहा हूँ दोनों में आते सर, दोनों पर नहीं पता है कुछ कह रहे सर, दोनों के मतलब दोनों में आते अच्छा ठीक है। पहले आप लोगों को मैं कह रहा था कि 2/3 को 2/3 भी बोलते हैं, 1/4 को 1/4 भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 56 में ये कह रहा है बाय हाउ मच इज 2/3 of 36 लेस देन 3/4 of 104। नहीं यार बच्चे कहते हैं ताकि फैन का शोर, फैन का शोर तो नहीं आता, ठीक है सबसे पहले 36 का 2/3 निकाले, फिर 104 का 3/4 निकाले, उनको आपस में माइनस कर, वो कह रहा है बाय हाउ मच इज लेस देन कितना कम है। सबसे पहले 2/3 of 36 चेक करें, 2 ये कैमरे को शायद रहा है, 2/3 of 36 ये पहले ये चेक करें, फिर इसी तरह 3/4 of 104 चेक करें, ठीक है। ये दोनों वैल्यू निकालें, दोनों को आपस में माइनस कर, वो कह रहे हैं कितना कम है,
वो कितना काम है आपको पता चलेगा, 54 या 24 का राइट आंसर 54। फिफ्टी सेवन हो जाएगा, देखो जो 56 और 57 है इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। एक तो सिंपल बटा होता है ना, और जब ये सहियों वाले बटे इसको क्या बोलते हैं, सहियां तोड़ना है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स दो सही एक बटा छह 57 नंबर, दो सही एक बटा छह 4, 4 सही 2 बटा 3, एक सही 2 बटा 3। अब आप सबसे पहले आप इनकी सहियां आप तोड़ो, इसको करते हैं जरा 2 को 6 जरा 12 और 1 जमा किया 13, 13 बटा 6 जमा 4 को 3 तरफ 12, 12 जमा 2 14 बटा 3 और 1 को 3 तरफ 3, 3 जमा 2 5। आगे इनको एलसीएम लेके आगे आपने सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन आंसर में देखो, आंसर में भी उसने सहियों में लिखा हुआ, अब आंसर में क्या है वो आगे आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लेंटी ऑफ टाइम रिवाइज हो चुका है, 58 को दे देते हैं। अब यहाँ पे उसने जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया ना, क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग एक्स लिख देंगे, 58 की बात कर रहा हूँ। 58 में क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग एक्स लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। यार ये गलत है, जवाब परसेंटेज की जगह एकदम हंड्रेड ही डिवाइडेड है, कहते हैं 58 में 4 1 बाय 6 परसेंट और 1 बाय 6 परसेंट ऑफ ऑफ के लिए मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 45, ठीक है। अच्छा आप इसको तोड़े 4 6 1 बटा 1 कितना आता है, 4 6 24 25 बटा 6। जब परसेंट जब गिवन हो तो परसेंट हमेशा डिवाइड में जाता है, जब हमने परसेंटेज में पढ़ा था, अगर परसेंट गिवन होगा तो 100 हमेशा डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई 1 ओवर 100, 100 डिवाइड में चलेगा, एक्स इज इक्वल टू 45। इक्वेशन बन गई, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेन इक्वेशन बनाना है 25 4 बार 100 एक्स बटा 24 इज इक्वल टू 45, 24 को जाके तरफ कर दें 45 तरफ 24 एक्स इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 1080। परसेंटेज हमें गिवन है ना, जैसे 70% है, 70% का मतलब क्या होता है, 70/100। हाँ जब परसेंट गिवन होगा तो 100 डिवाइड में जाएगा, लेकिन अगर ये कहता ना 70-80 का कितने परसेंट है, देन हमने मल्टीप्लाई में लिखा। जैसे आप नंबरों के अपने परसेंटेज निकालते हो क्या करते हो, ओपन टोटल मल्टीप्लाई करते, क्यों परसेंटेज आपने मालूम करना है। 70 का 80% कितने परसेंट है, देन 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मालूम करना है यहाँ पे गिवन है 100 डिवाइड में चलो। 59 देखे, समझने वाले क्वेश्चन है, में कहता है ए मस्ट बी चूजन फ्रॉम -1, -2, -3, -4 एंड बी मस्ट बी चूजन फ्रॉम -5, -4, -1, 2। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए बी। अब पहले आप ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप उन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा। सबसे पहले देखेंगे ए का सेट उसने क्या क्या लिखा हुआ है, ए का सेट है -1, -2 और 3, 4 और बी का सेट है -5, -4
और वन टू। वो कहता है मुझे बताओ इनमें से ए बी की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ सकती है, ए बी की। ए बी का मतलब बात है इसमें से अगर ए अगर मैं माइनस वन अगर लू और इसमें से मैं बी अगर माइनस फाइव अगर ले लू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आता है प्लस का फाइव। ए बी मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस फाइव, इन दोनों को अगर जरब किया तो ए बी आ गया माइनस वन इंटू माइनस फाइव प्लस फाइव। अभी मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ आ चुकी है, अगर मैं माइनस वन को माइनस फोर से करूँ तो प्लस फोर आएगा, माइनस वन को वन से करूँ माइनस में चला जाएगा इसको, यानी कि ये अभी मेरी बड़ी वैल्यू नहीं है, सबसे बड़ी वैल्यू अभी ये आ रही है। अगर मैं माइनस टू को अगर चेक करूँ, माइनस टू को माइनस फाइव से किया कितना आता है प्लस का टेन, माइनस टू इंटू माइनस फाइव कितना आ गया माइनस टू इंटू माइनस फाइव प्लस का टेन। अभी एट दिस टाइम बड़ी मेरी ये हो गई है, ठीक है। अच्छा बाकी पे चेक करो, माइनस टू माइनस फोर प्लस का एट, माइनस टू आएगा माइनस फोर नहीं, थ्री को माइनस फाइव से किया तो माइनस का फिफ्टीन, ये माइनस का फिफ्टीन चल जाएगा, बड़ा नहीं होगी छोटी होगी। थ्री माइनस फोर माइनस ट्वेल्व, थ्री इंटू सिक्स नहीं, फोर टू का एट सबसे बड़ी प्लस का टेन, ठीक है। हमें बारी बारी हमें सारे वैल्यू पेयर चेक करने पड़े, ओके। ए और बी की वैल्यू हमें बारी बारी सारी हमें चेक करने पड़े, प्लस का टेन सबसे बड़ी आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटी आपका रिवाइज हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन का है, क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्वेश्चन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर जो 61 है ना, मोबाइल से थोड़ा 62 ये वही क्वेश्चन है थ्री वाला जो आपको मैंने उधर मैं स्किप करवाया था। आप ठीक है, पहले माने सर रिपोर्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, 61 में क्या कहते हैं। अलजेब्रा करके फिर 5-10 मिनट ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे दूसरे टॉपिक पे कर जाएंगे, प्रोबेबिलिटी पे या ज्योमेट्री को जो भी रिवाइज हम करते हैं। अच्छा एनालिटिक का करना सर, पीसीटी का वो भी कर लेंगे, हाँ तो ब्रेक पे कर लेंगे बस। मैक्सिमम अभी आगे 15-20 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम आधे घंटे। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है इफ अ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस द 10th डिजिट एंड द सम ऑफ डिजिट इज 12, व्हाट इज द नंबर व्हिच डिजिट्स रिवर्स्ड। अगर मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं तो फिर कौन सा नंबर बनेगा। सबसे पहले तो हमें उसके स्टेटमेंट पढ़ने को, ये कह रहा है कि एक जो यूनिट डिजिट है ना वो 10th डिजिट का ट्वाइस है। अब यूनिट डिजिट क्या होता है, 10th डिजिट क्या होता है, उसको सबसे पहले हम लोगों ने देखना है। मतलब मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है ना, ऑप्शन क्या क्या आ रही है, एक आ रही है 24, एक आ रही है 42, क्योंकि मुझे नंबरों में से निकालना पड़ेगा, 48, 84 और आखिरी कौन सी आ रही है 39, ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है। कहता है यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस द 10th डिजिट एंड सम ऑफ डिजिट इज 12, उनका सम कितना होना चाहिए 12। अब यहां से मुझे एक पॉइंट पता चल गया कि यार अगर उनका सम 12 होना चाहिए फिर ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, इन दोनों डिजिट को जमा करो 12 बनता है
टेन को जमा करो बारह बनता है ना, टेन को जमा करो बारह, ये बारह इसके मैंने दो ऑप्शन बनते मैंने उड़ा दी। वो कहता है कि अगर एक टू डिजिट नंबर है उनको अगर दोनों को मैं सम करूं तो बारह बनना चाहिए, इनको जमा करूं बारह तो नहीं बनता ना, चार आठ आठ चार तीन नौ बारह बनता है ना, इनको बैठे मैंने उड़ा दिया। ठीक है ओके, इधर बेचक कर ठीक है ओके, यहाँ पे ठीक है इधर इसको चेक कर लेना, थोड़ा चेयर बेचक पीछे कर आप। अच्छा ओके, यहाँ तक ओके। अब वो कहता है कि इनमें जो यूनिट डिजिट है वो टेंथ का ट्वाइस है। अब यूनिट डिजिट कौन सा होता है, यूनिट डिजिट ये होता है या ये होता है, मतलब चलो मैं एक और डिजिट का लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको अलग लिख लेता हूँ फोर एट, इसमें से यूनिट कौन सा टेंथ कौन सा है, यूनिट यूनिट फोर है, यूनिट एट है ये वाला, ये टेंथ है, am I right? Yes, sir. Okay. ये सही है, ये यूनिट होता है, ये टेंथ होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ अगर टू होता तो दैट विल बी हंड्रेड, दो सौ अड़तालीस, ये होता है टू हंड्रेड, ये होता है फोर्टी और ये होता है एट, इसको जब हम प्लस करते हैं तब जाकर दो सौ अड़तालीस बचता है। ये टू हंड्रेड की फॉर्म है, ये टेंथ की फॉर्म है, ये यूनिट की फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो एट है, टेंथ डिजिट फोर है। अब ये कहता है कि जो यूनिट वाला डिजिट है वो टेंथ का डबल है, अगर ये देखा जाए फिर तो मेरा ये राइट आंसर है, यूनिट वाला डिजिट टेंथ का डबल है ना, आठ चार का डबल है ना, अगर ये देखा जाए ये ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग है, नौ तीन का तीन गुना होता है, नौ तीन का डबल तो होते नहीं है। ओके, इसका मतलब मेरी एड जिस तरह मेरी ऑप्शन है 48 राइट आ रही है, लेकिन अब एंड पे जाके उसने क्या किया है, एंड पे जाके उसने यू टर्न ले लिया है, एंड पे जाके कह रहा है व्हाट इज द नंबर विद डिजिट्स रिवर्स्ड, मुझे वो वाला नंबर बताओ जिसमें डिजिट्स को मैंने रिवर्स कर दिया, डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो 84 राइट आंसर आएगा, रिवर्स कर दिया यूनिट को टेंथ कर दिया, टेंथ वाले को जिसमें यूनिट कर दिया, वैसे मेरा नंबर 48 ओके है। इसमें देखो ये यूनिट वाले डिजिट इसका टेंथ का ट्वाइस ही बन रहे हैं, लेकिन वो कहता है भाई डिजिट तो मैंने रिवर्स कर दिया, अगर ध्यान से 84 आपका राइट आंसर। रिवर्स का 84 है, यूनिट का नहीं, रिवर्स कर दिया तो 84 है, 84 है वरना वैसे 48 करो। ठीक है जी ओके, इसको नोट करें सर जी, 62 बहुत आसान है खुद करना, 63 भी आसान है, 64 भी, 65 आ गया, क्वेश्चन पे आ जाओ डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाओ, दरमियान वाले पढ़ लो, अगर किसी को नहीं लिखो तो नहीं तो मैं यारी मैं बता दू तो सारे आसान है, 68 पे डायरेक्ट आ जाओ। हाँ बातें तो पूछ रहा, 68 देख लिया, अगर ओके तो आगे पे चलते हैं, कर लें ओके करते हैं 68, दरमियान वाले सारे ओके हैं वो आप कर लेंगे। आज ये नोट कर लियो, 68 को देखते हैं सर, यूनिट का 8 है या 4 है, अब जो राइट आंसर है उसमें अब यूनिट 4 हो गया। ठीक है वैसे 8 का कहता है 68 में 13/4 - 7/7, 13/4 - 7/7 तो बताएं एन की वैल्यू क्या होगी। आप ये देखो 13/4 - 7/7 इसको आप ले लिया एलसीएम, इसको चाहे 7/7 बंद भी कर सकते हैं, एलसीएम 28 ये कितना आ गया 91 - 28 कितना बचेगा, ये कितना होता है 91 - 28 63/28 सात का पड़ा 7 - 9 = 4 - 9/4 9/4 को जब आप ग्राइंड करोगे ये 2 point something आएगा, 2 और 3 के दरमियान में वैल्यू आती है, कहता है बिटवीन 2 and 3 इसको जब आप डिवाइड करोगे 2 point something आएगा 2.5, तो वो 2.5 मतलब 2 और 3 के दरमियान में वैल्यू आती है। ये खिड़की पे जब खोल लें, अगर खोल लें स्लाइड इसकी खोल लें, ऊपर वाली भी खोल लें, ऊपर वाली भी खोल लें, ये रशीद जी बेशक दरवाजा तोड़ कर खोल लो हल्का ना, बस ठीक है डॉक्टर आओ साथ बस ठीक ओके, ये रख लें
69 भी हो जाएगा, 70 भी, 71 भी हो जाएगा, आगे है नेक्स्ट डायग्राम। 72 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 72 ये उत्तर भी आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कि अगर आप लोगों ने वो जब हम लोग जब रेशियो प्रॉब्लम कर रहे थे वहां पे आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन निकालने को क्या तरीकाकार है, सबसे छोटी फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीकाकार, याद है किसी को? मैंने बताया था तरीका कि इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन थी, सबसे छोटी कौन थी, या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। मैं बता देता हूँ, मैंने तरीकाकार बताया था, वैल्यूज को 100 से रख करना है, किसी को याद है? मैंने बताया हुआ ये तरीका। बहरहाल इसको दोबारा देखते हैं, कहता है 72, ये मुझे ना इसके कोई एक लिखवाइएगा, 7 by 9, 5 by 9, 7 by 11, 3 over 5, 2 over 3, 10 over 13। अब ये अगर आप लोग सीक्वेंस देखोगे ना, ए बी सी डी ई सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ उनके सीक्वेंस पर चेंज है बस। अब ये कहता है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस डिसेंडिंग ऑर्डर में सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ी से छोटी की तरफ। अब इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है, एक तो तरीका कर लिया कि सबको बारी बारी आप डिवाइड करके आप चेक कर लो, लेकिन उससे भी आसान तरीका का कहा गया सबको 100 से ड्रॉप कर दो, सिंपल सबको 100 से ड्रॉप कर दो, आपको बता देगा कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये सबसे आसान तरीका है। सबको 100 से ड्रॉप करो, 5/9 ड्रॉप 100, 7/11 ड्रॉप 100, 3/5 ड्रॉप 100, 2/3 ड्रॉप 100, और इसी तरह 10/13 ड्रॉप 100। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपको पहाड़े आने चाहिए, पहाड़े आएंगे तो फिर ये कैलकुलेशन सही होगी। देखे 9 11 बार 99 होता है ना, 11 9 बार 99, 5 20 बार 100, 3 33 बार 100, और 13 8 तकरीबन 13 8 104 होता है तकरीबन, ठीक है, ये तकरीबन आप निकाल सकते हैं। अगर तो हमारी वैल्यू बहुत को नजदीक हुई तो फिर हम उसको पॉइंट में भी ले जाएंगे, नहीं तो हम आप उसको निकाल सकते हैं। कितना आ गया, 55 7 63, 3 20 60, 66 और 80। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई, 80। 10/13 से देखे कौन सी ऑप्शन स्टार्ट हो रही है, 10/13 से डी सर, डी ऑप्शन राइट। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 55 आ गया, यहाँ पे भी एक वैल्यू 55 या 56 आ जाती है, 63 आ गया, यहाँ पे भी एक वैल्यू 63 आ जाती है, फिर मुझे मोहतात रहना, फिर मैं पॉइंट में मत को चला जाऊंगा, मैं निकला अपना टाइम बताया कर रहा हूँ, ये मैंने उसके जज मैंने उसको कर लिया शॉर्ट हो मैं वही मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको 11 समथिंग में जाएगा ना आंसर, मैंने वैसे इसको जैप कर लिया यार 9 11 12 100। मैं वही मैं कह रहा हूँ अगर तो मेरे को यहाँ पे भी कोई 55 56 आ जाता फिर मैं उसको पॉइंट में वर्क कर लेता, फिर मैं उसको पॉइंट में जाके मैं उसको चेक करता यार कौन सी वैल्यू। मैं वही कह रहा हूँ ना, टाइम कम होने की वजह से मैंने इसको जज किया, उसको उलट कर दो, सबसे छोटी वाली कौन, 1 मिनट, सबसे इसमें छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है सबसे छोटी, 55 5/9 है, 5/9 को पहले लिख दो, उससे बड़ी कौन सी है 60, 3/5 लिख दो, उससे बड़ी 63 7/11, उससे बड़ी 66 2/3, उससे बड़ी 10। ये आपका इंक्रीजिंग आपका ऑर्डर आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा बड़ी से छोटी, इंक्रीजिंग होगा छोटी से बड़ी, ठीक है। इंक्रीजिंग को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। उर्दू में बता दो, सेवेंटी थ्री की देखिए इक्वेशन क्या बनती है, डिनोमिनेटर ये भी आप बिल्कुल समझा रहे हैं, मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो वैल्यू फिर आपको कैसे मिलवा सकते हैं,
72 का ऑप्शन डी है, सबसे आसान है मुश्किल में पड़ जाएगा, कोशिश करें आसान दे। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, 73 के देखें इक्वेशन क्या बनेगी, कहता है 2 less than 5 टाइम्स का नंबर, एक नंबर का 5 गुना है उसमें से 2 कम है, एक नंबर का 5 गुना और उसमें से 2 कम है, यानी कि आपके इक्वेशन बनेंगे 5x-2, एक नंबर का 5 गुना और उसमें से 2 लेस है 5x-2। फिर कहता है इस का मतलब इज इक्वल टू 73, इसका मतलब इज इक्वल टू कहता है 1 more than 2 द सेम नंबर, 1 more than एक ज्यादा है, 2 द सेम नंबर उसी नंबर के 2 में 2x+1। वो सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे बस इक्वेशन बताओ, इसमें से इक्वेशन पढ़ते आगे सॉल्व नहीं करना। वो कहता है 2 less than 2 कम है किस में से, 5 times है नंबर, एक नंबर के 5 गुना में से, एक नंबर के 5 गुना में से 2 कम है, वो किसके बराबर है, 1 more than 2 आता है सेम नंबर उसी नंबर के दोगुना के, एक जमा जब आप कर दें उसके वो बराबर हो जाए। इसकी आपकी इक्वेशन बनेगी डी ऑप्शन, इसको चेक कर लें। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इज इसका मतलब इज इक्वल टू, इसका मतलब इज इक्वल टू, ये इक्वल टू आ गया, 1 more than 2 आता है उसी नंबर में 1+, या चाहे 1+2x कर दो, 2x+1 कर दो, बात एक ही है, 1+2x कर दो बेचो, बात एक ही है, दोनों जमा हो रहा है मोर देन प्लस। अच्छा क्वेश्चन नंबर 74 देखे, 74 का क्या आंसर है, आसान है 74 देख लेंगे। नहीं यार 74 का 1 नहीं आता, 0.9 आता है, 0.9 75 समझने वाला क्वेश्चन, कहता है 59x -273 है, बताओ 293 है, सॉरी बताओ y97 क्या आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये कहता है जी x है, और ये कहता है यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन कैटेगरी C का है, फिजिकल साइंस का जो है उसमें आया हुआ, आपने भी आ सकता है, एमी भी आ सकता है, नाइट भी आ सकता है, क्यों इसको आसान हल किया है। सबसे पहले आप ये देखो कि एक्स की जगह पे क्या होना चाहिए कि जिसमें से 3-7 है, एक्स की जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो 10 में से 3-7 होगा तो 7 आएगा ना, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए तब 10-3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया, 9, 8 में से तो नहीं होता इसको, 1, 2, 18, 9 यहाँ पे कितना बच गया, 4, 4-2 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। छिहत्तर भी आप कर लेंगे, 77 भी कर लेंगे, 78, 79 ऑलरेडी हमारा हुआ पड़ा है, 81 पे डायरेक्ट आ जाए, 81 पे आ जाए, 81 सर डायरेक्ट 81 पे आ जाते, मैंने पढ़ लिया सारे आपके हो जाएंगे, इजी है, मैंने इसलिए मैंने आपको छुड़वा दिया, कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 79 नंबर हमने ऑलरेडी टाइम डिस्टेंस पे कर चुके हैं, 79 और क्यों है, अगर वो नो है कम कर दिया,
रेनबो तो फाइव ऐसा निकल सकता है। हमने उसको एक हमने कैरी भी तो लिया ना, वो सबसे पहले होगा टेन, हमने कैरी कहाँ से दिया, हमने नाइन कैरी दिया, टेन माइनस थ्री हुआ ना ये सेवन, इसको कैरी दिया टेन माइनस थ्री सेवन, इसके बाद आठ बच गया। ठीक है, अब आठ में कुछ नहीं निकल रहा, इसको फिर मैंने कैरी दिया था अठारह, वो फोर आया, ये तो खुद उसने पूछा है ना कि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, फोर माइनस टू यहाँ पे टू आना चाहिए, ये उसने वाई लिखा है, ये हमने मालूम करना है। 81 देखिए, 81 कहता है द स्टेटमेंट वाई वैरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ एक्स मीन, कर लेंगे 81 का देखे रहा, ये वो कहता है हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये उत्तर का क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो हम क्या लिखते हैं, नहीं अगर मैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x अगर लिखना चाहूँ तो मैं कहते लिखूंगा इस तरह y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहते लिखते हैं ना, अगर मैं इसको इनवर्सली लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, वन अपॉन x, इनवर्सली में क्या करेंगे वन अपॉन x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है लेकिन इनवर्सली के लिए हमने इसको वन और एक्स हमने लिख दिया, इसको इक्वल टू की नोट करेंगे, इसको इक्वल टू क्या फिर हम लोग कॉन्स्टेंट भी लिखना होगा, मैं बता लगा, वो कहता है कि अगर स्टेटमेंट वाई वैरीज इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ एक्स, तो स्क्वायर ऑफ एक्स मतलब ये एक्स के ऊपर स्क्वायर भी आ गया, ठीक है, अब वो ये कहता है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, आपको पता है आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपको कुछ याद होगा, जब हम लोग साइन को हटाते हैं तो क्या होता है, इज इक्वल टू और कॉन्स्टेंट आता है, इज इक्वल टू के आता है, वाई इज इक्वल टू के इंटू वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा वाई इज इक्वल टू के ओवर एक्स स्क्वायर, ये देखिए कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, वाई इज इक्वल टू के ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। 82, 83 देख लें, अगर करना मैं करवा दे तो इनमें सिर्फ आपने इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है, 82 में आपने बस c की वैल्यू निकालनी है, 83 में भी आपने t की वैल्यू निकालनी है, आपको खुद सॉल्व करने वाले हैं, 84 पे डायरेक्ट आएगा, कहता है एक्स वाई जेड और कंजेक्टिव नेगेटिव इंटीजर, एक्स वाई जेड क्या है, कंजेक्टिव है और नेगेटिव भी है, मसलन एक्स को मैं सपोज कर लेता हूँ माइनस वन, वाई को सपोज कर लेता हूँ माइनस टू, जेड को सपोज कर लेता हूँ माइनस थ्री, या चाहे इसको माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर भी सपोज कर सकते हैं, माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस फाइव भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन होने इकट्ठे चाहिए, जैसे ये माइनस टू हो गया, माइनस थ्री हो गया, माइनस फोर हो गया, माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव भी हो सकता है, सही है, लेकिन कंजेकटिव इकट्ठे सपोज करने होने भी नेगेटिव चाहिए, वो कहता है एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई से बड़ा है ना, माइनस टू माइनस थ्री से बड़ा होता है ना, और वाई जेड से बड़ा है ना, इसका मतलब मेरा ये ऑर्डर भी इस पे फॉल हो रहा है, एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड, माइनस टू ग्रेटर देन माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस फोर, अब वो क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इनमें से कौन सा मेरा पॉजिटिव ऑड होना चाहिए, मुझे अब ऑप्शन चेक करनी पड़ेगी, ये ऑप्शन है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में आप लोग वैल्यू रिपोर्ट करें, एक्स की जगह माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, चेक करें क्या ये पॉजिटिव ऑड आता है, नहीं आता, टू थ्री डॉट सिक्स फोर डॉट 24 नेगेटिव का 24 आ रहा है, ये तो माइनस में आ रहा है और इवन आ रहा है, पॉजिटिव ऑड नहीं आ रहा, ठीक है, आप लोग इसकी बी ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन कहते हैं एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस डी, एक्स की जगह माइनस टू आगे माइनस वाई की जगह माइनस डी, ब्रैकेट लगाइए क्योंकि वाई भी माइनस अंदर भी माइनस है, ठीक है, वाई की जगह माइनस थ्री और आगे ब्रैकेट माइनस फोर, यह आ जाएगा माइनस टू प्लस थ्री, यह आ जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर, यहाँ पे भी प्लस वन यहाँ पे भी प्लस वन, ये आपका आ गया पॉजिटिव और ऑड आ गया बी ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन,
बाकी को भी आप लोगों को चेक करना चाहिए होगी, कोई भी आपको सही नहीं आएगा। एटी फाइव, एटी सिक्स, एटी सेवन, एटी एट सारे को सॉल्व करने वाले हैं। डायरेक्ट सर 90 पे आएगा, 90 भी आपका खुद सॉल्व करने वाला, उसमें अंदर में डमास रूल है, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है 90, ठीक है। 92, 93, 93 क्वेश्चन देखे रहा, 93 वाला सर जी, मैं जो जो छुड़वा रहा हूँ इनको अपने तौर पे भी सॉल्व करना, ना हो उसको सर्कल करके ले आना कर लेंगे, ठीक है। 93 पे मैं जस्ट अपना टाइम जरा थोड़ा सा सेव कर रहा हूँ, 93 पे आएगा। 93 जो आपके गैट ए का क्वेश्चन है, गैट ए इंजीनियरिंग कॉलेज 93 में कहता है व्हाट नंबर इज एज मच लेस एज 5739 एज इट इज ग्रेटर देन 3297। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है, स्टेटमेंट को क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक नंबर है वो जितना 5739 से छोटा है उतना ही वो 3297 से बड़ा है, उतना ही, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक नंबर है वो 3297 और 5739 के दरमियान में है, वो दरमियान में ना, वो जितना 5739 से छोटा है उतना ही वो 3297 से बड़ा है, यानी कि इसका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम मतलब इन दोनों के दरमियान है, तो जो दोनों के दरमियान में जो डिजिट होता है वो कैसे निकालते हैं, हम लोग एवरेज से निकालते हैं, जो दरमियानी जो वैल्यू होती है ना, वो हम लोग उसमें एवरेज हम लोग निकालते हैं, इसके दोनों के आप लोग एवरेज लें, आपको पता चल जाएगा इन दोनों के दरमियान में कौन सा डिजिट आ रहा है, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय टू करें। फाइव सेवन थ्री नाइन और थ्री टू नाइन सेवन, थ्री टू नाइन सेवन प्लस 5739 डिवाइडेड बाय टू कर दें, ठीक है। इसको कॉल करें कितना आता है आपका, आएगा 4518। इसको मुझे कह रहे हैं एक नंबर है जितना वो 5739 से छोटा है उतना ही वो 3297 से बड़ा है, जितना इससे छोटा है उतना ही वो इससे बड़ा है, यानी कि वो दरमियान में कोई एक वैल्यू है जिसका आपस में डिफरेंस सेम है, तो दरमियानी वैल्यू हमेशा हम लोग एवरेज से निकालते हैं, राइट। ये आएगा 4518, वहां 4518 का डिफरेंस इसके साथ भी चेक करो, इसके साथ चेक करो, दोनों का डिफरेंस सेम आएगा, जितना इससे बड़ा है उतना ही उससे छोटा होगा, उनके दरमियान में 4518। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये, अच्छा अब एक और चीज का देखो, आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया था, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 23 और 95 देखो सेम है कि नहीं, 23 और 95 जिसका आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी समझाई थी, यस सर, सेम है ना, 95 को सॉल्व करके क्या आएगा, 6/10, 6/10 मीन्स 3/5 टू कर दे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे वो एग्जाम्पल हमें काम आ गए जो आपको मैंने समझाई थी, वो लोज और वन वाली, नीचे हमेशा टोटल गेम रखना है, ठीक है। सवाल नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 98 भी हो जाएगा सर जी, 99 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने वाला है, 99 सबसे पहले तो 99 के अंदर ये हम लोगों ने समझना, उसने कहा है कि भाई नॉट डिफाइंड, 97 यार आसान है, खुद कर लोगे, 97 कर देता हूँ, बहुत आसान है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, अंडर रूट है ना, अंडर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, आगे की वैल्यू आ रही है, छोड़ा था। अच्छा 98 भी हो जाएगा, 99 देखे, 99 के अंदर सर जी उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो हल ना हो सके, नॉट डिफाइन का मतलब होता है जो हल ना हो सके, जिसका कोई जवाब ना आ सके। मैं आप लोगों को इसकी एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी बेस्ट एक एग्जांपल, अपने मोबाइल से निकालें, मैं आप लोगों को इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अपने मोबाइल से निकालें, मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर से निकालें, वही है 6/0 खुला हुआ है, हाँ वही है, कैलकुलेटर से निकालें, ठीक है। इस पे रख करें 0/4 करें, 0/4 क्या आंसर देता है, 0 देता है। अब इसको जरा 4/0 करें क्या कहता है, क्या कहता है, इन्फिनिटी, लेस एरर कैन नॉट बी डिफाइंड,
ये कहेगा मैं तरह कहेगा कैन नॉट बी डिवाइड कहेगा या कहेगा इंफिनिटी आ गए। इसका मतलब क्या होगा, जब भी आप जीरो को बटा के नीचे लिखोगे वो उसको एरर दे देगा, नॉट डिफाइन कर देगा। समझाई? यस सर। जीरो जब भी बटा के नीचे आएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब इसमें तो आप लोगों ने वो वाली ऑप्शन आपने चेक करनी है कि किस ऑप्शन में जीरो बटा में आ रहा है। ई ऑप्शन चेक करो, ई ऑप्शन कहता है तीन बटा एक्स माइनस फोर, एक्स की जगह फोर पुट करो, थ्री और फोर माइनस फोर थ्री ओवर जीरो, दैट विल बी नॉट डिफाइन। हम लोग जब छोटी जब क्लासेस में थे बल्कि आगे दो क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर आप देखें, एक क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 107 और एक क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन नंबर 107 और 110 को अगर आप लोग देखो ना, इसके अंदर उसने स्टार्ट पे लिखा हुआ है इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, 107 के स्टार्ट पे भी उसने लिखा है और 110 के स्टार्ट पे उसने, ये उसने क्यों लिखा हुआ है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, उसकी वजह यही है कि अगर तो ए जीरो के बराबर होगा तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखो ना 107 में भी बटा के नीचे ए की वैल्यू आ रही है और 110 में भी बटा के नीचे ए आ रहा है। अगर तो बटा के नीचे ए की जगह जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए उसने शुरू में ही लिख दिया भाई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम लोग जब छोटी क्लासेस में थे ना, छोटी क्लासेस में भी बुक के अंदर ये लिखा होता था अगर सिफर के बराबर ना हो, लेकिन हमें टीचर बताते नहीं थे भाई इसकी वजह क्या है, यार ये ए क्यों लिखा हुआ है सिफर के बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू जीरो, उसकी वजह ये होती है अगर जीरो बटा में आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए जीरो इज इक्वल टू वन, थ्री अपॉन जीरो इज इक्वल टू वन, नो थ्री की पावर जीरो इक्वल टू वन, थ्री अपॉन जीरो ठीक है, हमारे कंसेप्ट और आ रहा है। आप जो पूछ रहे क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 106 पे आ जाए, बाकी सारे आपके हो जाएंगे डायरेक्ट 106 पे आ जाए। ऑप्शन ये ऑप्शन में कह रहा हूँ, ये ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस फोर करोगे तो जीरो नहीं आएगा, वो एक्स माइनस फोर जी डायरेक्ट 106 पे आ जाए। एक सौ छह में कहता है इफ ए इज इक्वल टू बी प्लस 1/2, ये क्वेश्चन थोड़ सा लेंथी है, ए इज इक्वल टू बी प्लस 1/2 और इसी तरह कहता है अगर बी इज इक्वल टू ओ टू सी प्लस 1/2 और इसी तरह सी कहता है 3d प्लस 1/2। ठीक है, तो वो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर डी इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ ए मतलब आंसर में ए आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स पहले हमने पढ़ा था ना, इन टर्म्स ऑफ ए मतलब आंसर में ए आना चाहिए, आपने डी का आंसर निकालना है ए की फॉर्म में, आंसर में ए जरूर आना चाहिए। अब सबसे पहले मैंने ये देखना है मैंने डी के आंसर निकालना है, यहाँ पे अगर मैं बी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दू टोटली, यहाँ पे आप देखो ए की जगह ए किसके बराबर है, बी प्लस 1/2 है ना, ए की वैल्यू बी प्लस 1/2 है, अगर बी की जगह अगर टोटल है इसकी मैं वैल्यू अगर पुट कर दूं मेरे पास आसानी हो जाएगी। कैसे, ये देखें ए इक्वल टू बी की पूरी वैल्यू क्या आ रही है, बी प्लस, ये बी की जगह मैं पूरी की पूरी में वैल्यू पुट कर देता हूँ, बी की जगह पे आ जाएगा 2c प्लस 1/2 और ए ये 1/2 इसके साथ से आ रहा है, मेरा काम आसान हो जाएगा, ए आ जाएगा इज इक्वल टू 2c प्लस 1/2 और 1/2 1 होता है, 1/2 और 1/2 आप और आपको जमा करो 1 ही बनता है, सही है, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम जाया होगा। ठीक है, ये अगर 2c प्लस आप यहाँ पे c की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए इज इक्वल टू 2 × c की जगह 3d प्लस 1/2 और प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू, ये तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 6d प्लस 2 को 1/2 से रब करें तो ये कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, 2 को 1/2 से हमारे मल्टीप्लाई करें 2 कैंसिल तो ये 1 बन जाएगा और ये प्लस 1 जो बाहर है। ठीक है, ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 6d प्लस 2। अब आपने किसका आंसर निकाला, आपने निकाल लिया डी का आंसर ए की फॉर्म में, यहाँ तक डी की वैल्यू निकालने क्या आएगी, डी की वैल्यू यहाँ पे आएगी
इसको मैं पहले यहां से लिख लेता हूँ, सिक्स बी प्लस टू इज इक्वल टू ए, टू को पहले उधर ले जाओ ए माइनस टू और सिक्स को उधर डिवाइड कर दो ए माइनस टू ओवर के, आपका डी का आंसर आ गया ए की फॉर्म में ए माइनस टू ओवर सिक्स, ठीक है आंसर में हमारा ए हमारा लास्ट में वन पॉइंट। इसको देख ले जहां से कोई पॉइंट नहीं समझे मैं दोबारा से, अभी तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसके वैल्यू पुट करके, लेकिन अगर आप यहाँ तक बी के वैल्यू निकालो यहाँ पे पुट करो सी के वैल्यू निकालो वहां पे वो बहुत लेंथी काम चला जाएगा, अभी मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 107 है, देखिए 107 क्या करता है, यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन पे आ रहा है इसमें आपने पता ओके अगर बी की वैल्यू हो टू की इक्वल तो वो ये कहता है कि मुझे बताओ थ्री बी सॉरी माइनस थ्री बी इंटू ए प्लस बी प्लस सिक्स बी ओवर ए बी की वैल्यू क्या होगी, ओवर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी। अब जहां जहां बी आ रहा है ना वहां आप टू पुट कर दो क्योंकि बी की उसने वैल्यू बोले टू, ये देखिए माइनस थ्री इंटू टू इंटू ए प्लस टू प्लस सिक्स इंटू टू डिवाइडेड बाई माइनस ए इंटू टू, जहां जहां बी की वैल्यू वहां वहां टू मैंने पुट कर दिया, ये आ जाएगा माइनस सिक्स इंटू ए प्लस टू प्लस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई माइनस टू ए, इसको आप दोबारा अंदर अगर आप जरा करो ये बनेगा माइनस सिक्स ए माइनस का ट्वेल्व और प्लस का ट्वेल्व डिवाइडेड बाई माइनस का टू ए, ठीक है ये प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बचेगा माइनस सिक्स ए ओवर माइनस का टू ए, माइनस माइनस कैंसिल ए ए से कैंसल टू थ्री दर से आपका राइट आंसर, ठीक है सिंपली आपने बी की वैल्यू अपने को पुट की थी, ए की अपने तरफ से तो वैल्यू पुट नहीं की मैंने, ए को एज इट इज मैं रहने दिया, ये क्वेश्चन था 107 110 भी आपके इसी तरह हुआ, 110 तो बहुत आसान है इससे वो खुद को खुद आपको सॉल्व हो जाएगा, जहां भी इस तरह का आ जाए नॉट इक्वल टू जीरो तो वहां भी पहले कोशिश करें कि कोई वैल्यू ना रखें, वैल्यू ना पुट करो, वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा, अगर अगली कोशिश क्या करें तो अगर नहीं तो फिर कुछ कोई एक छोटी वैल्यू पुट कर दो वन पुट कर दो टू कोई भी पुट, लेकिन वो खुद आपको बताएगा कि भाई हाँ अजान हो रही है एक मिनट अजान है अजान से ब्रेक
क्वेश्चन नंबर देखें 108 आखिर में अभी जितने भी क्वेश्चन आ गए ना 106 से अब ये सारे अपने गेट ले वाले आ रहे हैं इंजीनियर के क्वेश्चन नंबर 108 में कहता है इफ द क्यूब रूट ऑफ अ स्क्वायर रूट, सबसे पहले एक नंबर का स्क्वायर रूट है फिर उसका क्यूब रूट है, कहता है क्यूब रूट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज टू, एक नंबर है, एक नंबर है एक्स है, ठीक है 108 एक नंबर है एक्स है उसका स्क्वायर रूट है और उसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू टू, ठीक है वो ये कहता है बताओ नंबर क्या, सबसे पहले इसका क्यूब रूट खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम इसको 3 से ड्रॉप करेंगे सबको, ठीक है इसको भी यानी कि 3 ड्रॉप नहीं मतलब 3 की पावर, ठीक है इसके बाद 3 का पावर आप ले लो आप और इधर भी आप टू की आप क्यूब ले लो, ये क्यूब रूट और क्यूब खत्म हो गया सिर्फ एक्स स्क्वायर अंडर रूट रह गया, इधर आ गया 8, आप अंडर रूट को कैसे खत्म करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, इसका भी स्क्वायर ले लें, एक्स वुड बी इक्वल टू 64। अब अगर मैं इसको अगर रिवर्स अगर लेके चलू रिवर्स में या अगर आप कह लो कि ऑप्शन से अगर मैं चलू एक्स की जगह अगर मैं 64 अगर रखू 64 का पहले क्या लिया हुआ है अंडर रूट 64 का अंडर रूट लो कितना आता है 8 इसका अंडर रूट ले लिया 8 आ गया, अब उसके ऊपर उसका क्यूब रूट है 8 का क्यूब रूट लो तो आता है 2 ये वही 2 के बराबर, यानी आप लोग इसको ऑप्शन से भी आप इसको उठा सकते हो ऑप्शन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं इसका 64 है 109 का मुझे आंसर बताएगा क्या आता है 109 का क्या आंसर आएगा मेरे ख्याल से आप सब लोगों का आंसर आएगा 2 की पावर 48 सब का तकरीबन, देखिए बाकी किसी का क्या कोई डिफरेंट पाता है किसी का सर क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर सर अगर इसकी जगह प्लस की जगह होता अगर 2 की पावर 12 की जगह माइनस देखिए आपको बताने लगा लेकिन उनका जो साइन था वो नेगेटिव था सर ठीक है वो कोई बात नहीं ऊपर चाहे साइन प्लस माइनस ऊपर देखें ये उसने क्वेश्चन जो दिया है ना ये दिया है जी 1 2 3 4 109 2 की पावर 12 और 2 की पावर 12 सर जी 2 की पावर 48 पता है कब होना था जब ये इस तरह होता जब ये मल्टीप्लाई होता ना तब मैंने कह देना था 2 की पावर 48 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है बेस और पावर को प्लस करेंगे सर हाँ जी लेकिन अब इनके दरमियान प्लस है तो प्लस जब होता है तो प्लस में सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऐड होती है पावर ऐड नहीं होती अब बेसिस ऑफ ऐड कैसे करने इनमें से बेसिस देखो हर एक के साथ 2 आ रहा है ना 2 कॉमन ले लो 2 की पावर 12 कॉमन होता है क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये बचेगा ना 2 की पावर 12 अगर मैं बाहर अगर मैं कॉमन ले लू इसका भी 1 आ गया इसका भी 1 आ गया इसका भी 1 इसका भी 1 अब 2 की पावर 12 अंदर क्या बन गया 4 अब 4 को आप लिखो 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 2 4 को मैंने क्या लिखा 2 की पावर 2
अब ये आपस में पावर ऐड होगी तो कितना बन जाएगा टू की पावर 14। ये आपका रहेगा इस तरह भी हो सकता था बेस और पावर को हम ऐड करें, बेस और पावर को ऐड कर दें किस तरह नहीं नहीं ये तो एक बात ही जुगाड़ हो गए इस तरह तो नहीं ना अगले तरफ कैसे जाएंगे वो सर अगर तो माइनस होता किस जगह पे प्लस की जगह माइनस होता फिर यहाँ पे वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वो फिर उसके लाजम आता पहले फिर आपको कुछ और वो देता हूँ। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं इसकी समझ आ गई इसको जो मैंने टू मैंने फाइव मैंने कॉमन के लिए अंदर वन प्लस वन आप देखो ना फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ एक्स प्लस एक्स कितना आता है थ्री एक्स कैसे आ जाता है साथ वन होता है हम लोग लिखते नहीं है इसमें तो एक्स अगर आप कॉमन हो ना तो इधर भी यही बचेगा वन प्लस वन प्लस वन तब जाकर थ्री एक्स बनता है। सर मैथमेटिकली जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ नहीं होता वन होता है हमेशा चित्र कहते हैं ना जहाँ पे मर्द और औरत अकेले होंगे पचास शतान जरूर होंगे जहाँ पे इस किताब वन जरूर होगा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना जब मल्टीप्लाई हो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है बारह और दो चौदह हो गए ऊपर वाले पावर को पावर ऐड हो जब बेसिस जब सेम हो ठीक है जी ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर वन 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 देखे पहले में समझा गए ओके जी सर क्वेश्चन नंबर वन 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 ट्रिपल सर नहीं समझा 111 नंबर का देख रहा हूँ 111 कहता है अगर y इज इक्वल टू 4x और ये भी आसान क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है वो कहता है अगर x क्यूब 64 के बराबर हो तो बताएं y की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करते हैं y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है x क्यूब अगर 64 के बराबर है तो 64 को किसकी पावर 3 लिख सकते हैं 4 की पावर 3 64 4 की पावर 3 होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 अब ये 3 कैंसिल होता है x किसके बराबर आ गया और ये x यहाँ पे पुट करके y निकाल y इज इक्वल टू 16 सोलह राइट आंसर आने चाहिए। एक सौ बारह देखें उसके बाद फिर नमाज के लिए ब्रेक करेंगे 10-15 मिनट नमाज पढ़ेंगे उसके बाद फिर स्टार्ट 112 नंबर का देखें बस 112 14 करोड़ 113 15 आपको दिखा दी 112 नंबर में कहता है ए बी और सी जो पॉजिटिव तीनों इंटीजर हैं अगर 3a 4b के बराबर हो और 5c के बराबर हो तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c अब उसके आगे आपको एक इक्वेशन एक और दे रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू के सी ये थोड़ा क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल है कहता है बताओ के की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल लू जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा यहां से मैं बी की वैल्यू निकाल लू जो कि मैं यहां पे पुट करूंगा और दोनों वैल्यू सी के फॉर्म में आएंगी राइट साइड पे भी सी है वो फिर मुझे कैलकुलेशन मुझे आसानी करेगी यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो सकती है ये देखे 3a भी 5c की इक्वल है 4b भी 5c की इक्वल है इन दोनों को मैं 5c की इक्वल रख सकता हूँ 3a को भी 5c की इक्वल रखें और 4b को भी 5c की इक्वल रखें यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5/3 और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 5/4 इन दोनों को वहां पे आप पुट करते हैं a की जगह आ जाएगा 5/3 बी की जगह 5/4 थी और यहाँ पे भी देखिए आपके पास सी मौजूद है ये आपस में कट होने का यानी कि चांसेस है इसका एलसीएम ले 12 ये 15 थी जमा नहीं सॉरी ये 20 थी आपने 23 ये 15 थी इक्वल टू के सी ये आ जाएगा 35c/12 इक्वल टू के सी सी कैंसिल के इक्वल टू 35/12
ये आपका राइट आंसर, इसको नोट कर लें। फिर था लेंथी क्वेश्चन का टेक्निकल भी था, बस एक आपको आगे 114 करवाते हैं, फिर उसके बाद ऑफ करते हैं, ब्रेक करते हैं। फिर 2 बजे के बाद है ना, 1:26 से 1:30 हुए ना, बस नमाज पढ़ के आ जाए 15-20 मिनट। खाना शाना नहीं खाने लग जाएगा, देर हो जाएगी, बस फिर नमाज पढ़ के खाना शाना के बाद खा लेंगे। यहाँ पे अब रशीद अब यहाँ पे अब आपका कंसेप्ट आएगा जो आप पूछ रहे थे, सर्चिंग की पावर 0 114 में आएगा बस। नोट कर लिया, जहाँ का पेरेंट अपना है कि बाबा एक्स पुट कर दो, एक्स निकाल के दो, एक्स निकाल के दो, एक्स से पूछ लेना है पेरेंट अपना ठीक है। कल आप लोगों की 9:30 बजे इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है, 9:30 से 11, फिर आगे फिर 11 तो ऑनवर्ड 12:30-1 बजे तक आपके चले केमिस्ट्री दोनों चले, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के अलावा टीचर है केमिस्ट्री के अलावा टीचर, ओके। इंग्लिश में नोट्स नहीं मिले वो कल इंशाल्लाह सर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, बस जहाँ इतना वेट है एक दिन और वेट कर लें, पहले इंग्लिश फिर उसको आप बिना इंग्लिश के 114 में कहता है 3 की पावर 1+ है, और प्लस 5 × 3 की पावर है -8=0। बताएं यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 114 दोनों तरीके हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में भी आप पुट करके आप चेक कर सकते हैं x की जगह पे कौन सी इक्वेशन इक्वल बनती है, लेकिन इसको हम सॉल्व करने का पहले हम डिकम सीख लेते हैं। मुझे बताएं 3 की पावर 1+x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 3 की पावर x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो इसको 3×3 की पावर x, दोनों वैसे सेम है ना, वही बात है जहाँ कुछ ना वहाँ 1 होता है, ठीक है, तो दोनों वैसे सेम है तो उसका मतलब वो दोनों पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 3 की पावर 1 कर सकते हो, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3×3 की पावर x प्लस 5×3 की पावर x -8=20। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे भी 3 की पावर x आ रहा है, यहाँ पे भी 3 की पावर x, इन दोनों बाहर कॉमन आ जाएंगे, इन दोनों को बाहर कॉमन ले लें, 3 की पावर x बाहर कॉमन ले अंदर क्या बचेगा 3+5, ठीक है, ओनली 3+5 बचेगा = 8, ये आ गया 3 की पावर x × 8 बन गया, 8 को उधर जाके चलो ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, अब 8 को उधर जाके डिवाइड करें, 3 की पावर x = 8/8, 3 की पावर x = 1, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, 3 की पावर x = 1 आ गया, अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, मैं इनकी कैसे बेसिस या पावर सेम करूंगा, किस तरह मैं इनकी बेसिस या पावर सेम करता हूँ, 1 को मैं 3 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, या 1 को मैं पावर x में मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे आप एक बात बताए कि 3 की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये चीज चाहे कोई इंटीजर हो चाहे कोई वेरिएबल हो, जब भी उसकी पावर 0 लिखेंगे हमेशा 1 के बराबर होगा, अगर तो मैं जी कॉन्स्टेंट के ऊपर 0 आ जाए कॉन्स्टेंट तब भी वो 1 के बराबर होगा, एक्स की पावर 0 1 है, कॉन्स्टेंट मतलब वेरिएबल ही आप बात कर रहे हैं, 3 की पावर x = 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x = 3 की पावर 0, लिख सकता हूँ ना, 3 कैंसिल x = 0, ठीक है। तो ये अलजेब्रा आप लोगों को मैंने कंप्लीट मैंने करवा दिया, अब आप लोगों के रह गए टॉपिक प्रोबेबिलिटी, आपका रह गया उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट और लॉजिकल, ये 3 आपका रह गया, ये भी इन चला आप लोग फिर इसी तरह को टाइम निकाल के हमें इसको कर लेना, इसको आप लोग नोट कर लें, सर ये फर्स्ट वाले करवा दो, ज्यादा 10-15 मिनट है उसके, 2 काबिल आप लोगों के पास।
ठीक है जी। अभी हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, 15-20 मिनट की ब्रेक करते हैं, नमाज पर पढ़े उसके बाद दोबारा करवा दें, ठीक है। फिर एक तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल लीडिंग के सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह को, उन टॉपिक पे डिस्कस कर लें, ठीक है। ओके, और कल जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए थे उनको भी हम लोग पे डिस्कस करें। ज्योमेट्री करना है, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो डिस्कस करते हैं, ऑनलाइन भी उसमें कह रहे थे, और कुछ जो सीटिंग अरेंजमेंट किया, सिलेक्शन किया उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी नमाज पढ़ लिया, मैक्सिम 20 मिनट के ब्रेक लगा हुआ है, 1:31 कोशिश करें 1:50 तक आ जाए, नमाज पढ़ लें।